हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्रीकल्चर एकेडमी आई एम महबूब लतीफ़ सो दिस इज़ आर एट्थ लेक्चर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द क्रोमोसोमल एब्रेशन दैट इज़ द न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यू ठीक है लेट्स गेट स्टार्ट ठीक है तो हमने अभी तक देखा था एन के बारे में दैट वॉज वन ऑफ द नोमेरिकल कॉमोजोमो लेब्रेशन अब हम देखेंगे यूप्लॉयडी के बारे में ठीक तो है तो यूप्लॉडी में हमारे पास मोनोप्लॉयड्स डिप्लॉयड्स और पॉलीप्लाइड्स पॉलीप्लॉयड्स में ट्रिप्लॉयड ट्रेट्राप्लॉयड ठीक है हेक्प्लॉयड ये सब आते हैं ठीक है उसके बाद हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे दीज आर दी पी वाई क्यूज़ जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक मोनोप्लॉयडी पर ठीक है So they, they have asked us about the definition and the concept. For example, what do you mean by this? What is the uh, define this uh, polyploidy? What is polyploidy and all? Hai. Uske baad kya hai? They have asked us the application in cro crop improvement and the limitation two times. Take then we have this types of uh, euploidy, or we can say in general, they have asked us the types, or we can, uh, they have asked us to classify this polyploids. और वी कैन से पोलीप्लाइडी वेज एंड टाइप्स ठीक है एंड अगेन दे हैव अस दीज आर द टाइप्स हमको पता है कि इसकी दो टाइप्स होती है एक होती है ओलो ऑटो पोलिप्लाइट दूसरी होती है ओलो पोलिप्लाइड ठीक है तो ऑटो पोलिप्लाइड में हमारे पास उसमें उनमें अलग से भी पूछा क्वेश्चन आया हुआ है उसकी यूजफुलनेस पूछी हुई है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में और उसके बाद ओलो पोलिप्लाइट्स दे हैव अस टू डिफाइन एंड ऑल्सो मैंशन द एप्लीकेशन ऑफ दिस ओलो पोलिप्लाइड इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट ठीक है दिस इज़ वॉट दे हैव आस कस्ट नाव द क्वेश्चन इज़ कि हम इसको कैसे इन जनरल कैसे करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टडी अबाउट द पॉलीप्लाइड हमको इसका कॉन्सेप्ट डेफिनेशन पढ़नी है उसके बाद हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ठीक है तो टाइप्स के अंदर जो हमारे इसकी क्रॉप इंप्रूवमेंट uh, में यूजफुलनेस होगी या इसकी जो क्रॉप इंप्रूवमेंट में देयर दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑलो पॉलीप्लाइट्स इन क्रॉप इंप्रूवमेंट सो वी कैन यूज दीज पॉइंट्स विद वैन एवर दे विल आस्कस दी इन जनरल दे विल आसकस द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीप्लाइट्स ठीक है सो so, इसमें भी आ सकता है दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस ठीक है सो बिफोर स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम क्या करेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक्स जो हमको पता होना चाहिए जैसे आपको पता है कि नॉर्मल जो हमारे प्लॉयडी लेवल होता है दैट इज डिप्लॉयड ठीक है टू एन इज इक्वल टू टू एक्स ठीक है टू एक्स मतलब डाइ ये हमारे पास डिप्लॉइड कंडीशन है और ये हमारे पास डाइजोमिक कंडीशन है ठीक है दिस इज डिप्लॉयड और ये डाइसोमिक डाइसोमिक मतलब एक जगह पे दो क्रोमोजोम नंबर ठीक है दो क्रोमोजोम होते हैं हमारे पास अब उसके पास मोनोप्लॉयड क्या होता है मोनोप्लॉयड कुछ नहीं होता इट इज सिंगल जिनोम ठीक है सिंगल जिनोम जब होगा उसको हम मोनोप्लॉयड बोलेंगे ठीक है और डाइप्लॉयड क्या होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल जब क्रोमोजोम्स दो के पेयर में होंगे देन इट इज़ डाइप्लॉयड ठीक है सो दिस इज़ आर दिस इज़ आर जो नॉर्मल कंडीशन होती है और वी कैन से दैट दिस इज नॉर्मल कंडीशन एनी डिविएशन एनी डिविएशन फ्रॉम दिस नॉर्मल कंडीशन आइदर इट कैन बी दिस मोनोप्लॉयड और इट कैन बी पॉली प्लॉयड पॉली इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी मेक दिस हेयर पॉलीप्लॉयड फॉर एग्जाम्पल मोर देन टू वी कैन से दैट दैट इज द पॉली प्लॉयड फॉर एग्जाम्पल दिस इज ये हमारे पास मेज है मेज़ में कितने होते हैं क्रोमोजोम मेज़ हैव ट्वेंटी टू एन इज इकल टू मेजेज इज डिप्लॉइड टू एन इजल टू ट्वेंटी तो हाफ क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा टेन ठीक है फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ठीक है सो इट इज ट्रिप्लॉइड ये मैंने ट्रिप्लॉयड बना दिया इसी तरह अगर टेट्राप्लॉयड होगा देन इट हैज अनदर वन दिस क्रोमोजोम जिनोम सेट ठीक है पूरा पूरा जिनोम सेट होगा देन इट इज नॉन एज ट्रिप्लॉयड ठीक है आगे और जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे इसके हेक्जाप्लॉयड पेंटाप्लॉयड ठीक है वैसे वैसे होगा तो ये दो से ज़्यादा जिनको हम जो दो से ज़्यादा जिनमें प्लॉयडी होती है और वी कैन सी द जिनोम सेट होता है जिनमें जिनोम सेट का एडिशन होता है पूरे का पूरा सेट का तो उसको हम क्या बोलेंगे पोलिप्लॉयड्स ठीक है ना अभी हैप्लॉयड क्या होता है हैप्लॉयड इज नथिंग बट द प्लॉयडी लेवल और वी कैन सी द पी एल ओ आई प्लॉयडी ऑफ गेमिट्स ठीक है अब गेमिट्स में जो प्लॉयडी होती है और वी कैन सी द जो क्रोमोजोम्स का सेट होता है उसको हम क्या बोलेंगे हैप्लॉइड ठीक है और वी कैन सी द दप्लॉयडी ठीक है अब जैसे फॉर एग्जांपल इट वेरीज जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव डिप्लॉयड अब हमारे पास डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड का जो इसके जो गेमिट्स होंगे फॉर एग्जाम्पल एक में ये जाएगा और एक में ये जाएगा सो so, इट्स का गेमिट जो होगा वो इस तरह का दिखेगा सो दिस इज़ हैप्लॉयड ऑफ अ डिप्लॉयड ठीक है नाउ इट इज हैप्लॉयड ऑफ ए डिप्लॉयड एंड ऑल्सो इट इज मोनोप्लाइड नाउ द दिस मोनोप्लॉयड इज नथिंग इट इज द इट इज द ऑफ अ डिप्लॉयड ठीक है नाउ इन केस अगर हम पॉलीप्लॉयड में किसी के एग्जाम्पल ले लो फॉर एग्जाम्पल टेट्राप्लॉयड की ठीक है अब टेट्राप्लॉयड जब गेमीट्स फॉर्मेशन करेगा फॉर एग्जाम्पल इट हैज फोर होमोलोकोसक्रोमोजोम सेर ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो अब इसमें क्या बनेंगे इसके जब गेमीट फॉर्मेशन होगा ना तो आधे इसमें जाएंगे आधे इसमें सो so, इसका गेमीट जो होगा वो डिप्लॉयड होगा ठीक है सो द्लॉयड ऑफ अ टेट्रोप्लॉयड इज डिप्लॉइड समझ में आ रहा है सो इट डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द प्लॉयडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और वी कैन से द इंडिविजुअल ठीक है अब दिस इज क्लियर नाउ दिस पॉलीप्लॉयडी अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम्पल इन द सेंस कन्सेप्ट समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट ऑल राइट सो ये पोलॉयडी लेवल इंडिविजुअल भी हो सकता है ठीक है पूरा का पूरा मतलब जो प्लांट है वो भी उसमें भी पॉलीप्लॉयड हो सकता है और वी कैन से इन सम ब्रांचेज ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो प्लांट है इसकी ये वाली ब्रांच जो है उसमें पॉलीप्लॉयडी हो जाएगी ठीक है पूरा का पूरा प्लांट पॉलीप्लॉयड नहीं होगा इस ऐसी कंडीशनस भी हो सकती ठीक है सो दिस इज बेसिक अबाउट सो यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन पलॉयडी दिस मोनोप्लॉयड एंड हैप्लॉयड ऑल राइट द हैप्लॉयड इज नथिंग इट इज जस्ट दी द्लॉयडी लेवल ऑफ अ गेमिट्स ठीक है गेमिट्स में कितने क्रोमोजोमल सेट होते हैं दैट इज नॉन एज द दप्लॉयड ठीक है अब अभी तक दे हैव आज द क्वेश्चन ओनली ऑन दो दिस पोलीप्लॉयडी ठीक है पॉलीप्लॉयडी पे ही क्वेश्चन पूछे हैं और उसके अंदर इसकी जो टाइप्स है ऑटो एंड ऑलो ऑटो से मतलब होता है कि सेम तरीके का जो गेमिट्स होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा ठीक है अब ये आगे हम पढ़ेंगे दे हैवंट आस्कस अबाउट दिस मोनोप्लॉयड लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में जितना है उसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे तो इन केस दे आस्कस इन द फ्यूचर सो वी शुड बी वी विल बी एबल टू राइट द आंसर ठीक है ठीक है अब सबसे पहले क्या आपको होता है यू प्लॉयडी क्या है ठीक है अब यू प्लॉयडी इट हैज़ यू प्लॉयडी हैज़ वन और मोर क्रोमोजोमल दिस कंप्लीट जीनोम विच मे बी आइडेंटिकल भी हो सकता है या डिस्टिंक्ट भी हो सकता है अलग भी हो सकता है फॉर एक्जाम्पल अब जैसे मान लो और दिस द कॉमन कंडीशन जो यूप्लॉयडी की होती है दैट इज द डिप्लॉयडी ठीक है डिप्लॉयड जो है डिप्लॉयड स्टेट इट इज़ द कॉमन कंडीशन ठीक है इन विच जो सिंगल जिनोम होता है उसकी दो कॉपीज होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉपी ये और एक कॉपी ए ठीक है सो दिस इज आवर डिप्लॉयड और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टू एक्स ए ठीक है वन एक्स इज दिस एंड वन एक्स इज दिस ठीक है इसको हम डाइजोमिक कंडीशन जो होती है ना उसको हम टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल टू एन मतलब डाइजोमिक मतलब एक क्रोमोजोम की पोजीशन पे मतलब एक पोजीशन पे कितने क्रोमोजोम्स हैं दो क्रोमोजोम्स इसलिए डाइजोमिक है टू एन है टू एन इज इक्वल टू टू एक्स ठीक है और अगर ह्यूम्स की बात करेंगे तो ट्वेंटी थ्री पेयर्स हो जाएंगे ठीक है और वी कैन से दो फोर्टी सिक्स आई समझ दिस इज हाउ इट इज ऑल राइट नाव एनी वेरिएशन एनी वेरिएशन फ्राम दिस डिप्लॉयडी और वी कैन सी द डिप्लॉयड स्टेट इज इज नॉन एज यू प्लॉयडी ठीक है तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स दैट इज़ द मोनोप्लॉयड और इंक्लूडिंग हैप्लॉयड भी हम बोल सकते हैं इसको ठीक है एंड पॉलिप्लॉयड ठीक है ऑल राइट नाव द मोनोप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्या होता है जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया मोनोप्लॉयड डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल कॉपी ऑफ ए जिनोम ठीक है किसी पर्टिकुलर uh, जिनोम की सिंगल कॉपी फॉर एग्जाम्पल इन केस वी हैव ए ए एंड बी ए ए ठीक है फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्लॉयड की कंडीशन लेंगे मान लो ये दिस इज ट्रिपलॉयड ठीक है अब इसमें क्या होगा फॉर एग्जाम्पल अब ये जो ट्रिपलॉयड है ये ऑल ओव ट्रिपलॉयड ऑल मतलब डिफरेंट क्रोमोजोम्स ये जो सेट है ये डिफरेंट क्रोमोजोम्स अब इसको मैं आई मेक इट इन अनदर वे फॉर एग्जाम्पल दिस ए ए ठीक है एंड दिस इज ए दिस इज ए दिस इज ए दिस इज ए एंड दिस इज ए दिस इज बी 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 सो मोनोप्लॉयड क्या होगा ये ए का सेट दिस इज ऑल्सो अ मोनोप्लॉयड और इसका सेट दिस ये तो सेम हो जाएगा एंड बी का सेट दिस इज ऑल्सो अ मोनोप्लॉयड ठीक है ऑल राइट नाउ मोनोप्लॉयड डिनोट्स और वी कैन से इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल कॉपी ऑफ अ सिंगल जिनोम ठीक है सिंगल जिनोम की मतलब एक सिंगल जिनोम की एक कॉपी सिंगल जीनोम की एक कॉपी को हम क्या बोलते हैं मोनोप्लॉयड और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से ठीक है और ऑन द अदर हैंड हैप्लॉयड इट इज द गेमेटिक नंबर ऑफ रोमोजोम ऑफ स्पीशीज ठीक है इसकी प्लॉयडी कुछ भी हो सकती है वेदर इट इज डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड कुछ भी हो सकता है पॉलीप्लॉयड इन द सेंस जिसे हम पोलिनोमल्स uh, पढ़ते हैं ना मोनो मोनोनोमल बाइनोमल एंड पोलिनोमल पॉलिनोमल मतलब तीन या तीन से ज़्यादा वाले ठीक है दस द दिस मोनोप्लॉयड कैन इट इज जैसे मैंने आपको पहले बताया इट इज़ एक्चुअली द हैप्लॉयड ऑफ ए डिप्लॉयड स्पीशियस ठीक है डिप्लॉयड स्पीशियस का जो हैप्लॉड है दैट इज द मोनोप्लॉड ठीक है और उसके बाद हैप्लॉयड अभी हम देखेंगे ठीक है अब हैप्लॉयड जो होगा ना हैप्लॉयड क्या होगा फॉर एग्जाम्पल टू एन जो होता है दैट इज द डिप्लॉयड एंड एन इज़ दी हैप्लॉयड अब ये कुछ भी हो सकता है इट कैन बी एनी थिंग इट कैन बी डिप्लॉयड दैट इज टू एक्स इट और इट कैन बी दिस टट्राप्लॉयड दैट इज द फोर एक्स और इट कैन बी थ्री एक्स ठीक है अब समझाता हूँ आगे ना अब इसमें भी दो तरीके के जो हमारे पास हेप्लॉयड होते हैं दो तरीके होते हैं एक तो सिंपल होता है यू यू हैप्लॉयड यू हैप्प्लॉयड मतलब इसमें ना एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रमोजोम्स होते हैं ठीक है एग्जैक्ट क्रोमोजोम मतलब हर एक सेट के एग्जैक्ट होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मोनो 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 मोनोहेप्लॉयड में क्या होते हैं एन होते हैं इसमें ठीक है एन मतलब फॉर एक्जाम्पल अगर डिप्लॉयड है तो टू एन है तो टू है तो उसके हाफ होंगे ठीक है उसमें कोई क्रोमोजोम मिसिंग नहीं होता इसी तरह इसी तरह पोलो हैप्लॉयड का मतलब होता है डिप्लॉयड को छोड़ के बाकी जो होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल टट्राप्लॉयड का जो हैप्लॉयड होगा वो होगा हमारे पास डिप्लॉयड समझ में आ रही उसके बाद क्या है दिस इज दी एनी एनिह, एनी हेप्लॉयड एनी हेप्लॉयड मीन्स वन और मोर क्रोमोजोम इसमें मिसिंग होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे नली स्वामी में हमने हेप्लाइड्स और वीकेंसी ऑफ द गेमीर्ट्स बनाए थे ना दैट दैट वर दी एनी हेल्प हेप्लाइड्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे है एन मैं डिप्लॉयड की वो एग्ज़ाम्पल हूँ यहाँ पे क्रोमोजोम खत्म है यहाँ पे मतलब द हैव मिसिंग दिस क्रोमोजोम तो यहाँ पे क्या होगा ये जो गैमेट्स बनेगा इसको बोलेंगे हम एनीहपलॉयड ठीक है ये एनी हेप्लॉयड ये भी अनीहपलॉय ये डिफरेंट होगा ये डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे क्रोमोजोम कम है ये नॉर्मल है ठीक है अब हम साइटोलॉजी की बात करेंगे किसकी ये हमारे पास हैप्लॉयड की और कैसे मोनोप्लॉइड तो हैप्लोइड की साइटोलॉजी के बारे में हम देखेंगे तो हमने क्या साइटोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रोमोजोम क्रोमोजोम्स का बिहेवियर हम देखते हैं कहाँ पे M1 पे और एनाफेस वन पे ठीक है तो अब अगर हम इसमें देखेंगे कि क्रोमोजोम्स होंगे वो टू होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे सॉरी इसमें होमोलोगस क्रोजोजोम होगा नहीं क्योंकि ये सिंगल होगा ठीक है ना अब सिंगल होगा तो जब ये एम uh, मेटाफेज पे आएगा तो ये इसमें क्या करेगा यहां तो इसको क्योंकि हमको पता है जो हम uh, मेटाफेस वन में हम मैंने आपको बहुत बार ये अभी तो पढ़ा दिया तो इसमें क्या होता है एक यहां से लगता है एक यहां से लगता है क्रोमोजोम एक होमोलोगस uh, क्रोमोजोम uh, से ठीक है लेकिन अब जब होमोलोगस है ही नहीं तो या तो ये सारे के सारे एक uh, उसमें चले जाएंगे एक पोल पे चले जाएंगे या तो ये आधे इस तरफ चले जाएंगे इस पोल पे आधे इस तरफ चले जाएंगे या तो आधू की क्या हो जाएगी ब्रेकिंग हो जाएगी जैसे मैंने आपको पहले बताया था ठीक है अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए तो इम बहुत ही इम्बैलेंस हो जाएगा ठीक है क्रोमोजोम नंबर बहुत इम्बैलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो इसलिए स्टराइल होता है ठीक है वायबल नहीं होगा गया इसका लेकिन रेयरली क्या होता है ना रेयरली क्या होता है वही मैंने लिखा है कि हर रेयरली केसेस में क्या होता है जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हैप्लोइड्स होते हैं ना जब इसका गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये क्या होता है सारे के सारे जो जो क्रोमोजोम्स है ये एक पेयर पे चले जाएंगे एक पोल पे चले जाएंगे जब ये एक पोल पे चले जाएंगे तो ये गैमेट जो होगा ये वायबल होगा अगर इस तरह का वायबल गैमेट किसी नॉर्मल डिप्लॉयड दैट इज एन के साथ अगर इसके साथ उसका क्या होगा फ्यूजन होगा तो हमारे पास जो प्रोजेनी होगी वो नॉर्मल होगी तो इसकी एग्जाम्पल हमको कहाँ पर मिलती है? जैसे कि मेल ऑफ कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो हमारे पास हाईली स्टराइल मतलब वो क्या होते हैं हमारे पास फर्टाइल होते हैं ऐसे तो नॉर्मली जो ये होता है ये हाईली uh, क्या होता है हॉप्लाइड्स जो होते हैं दे आर हाईली स्टराइल बट उन इन सम रेयर केसेस फॉर एग्जाम्पल द हनी बी में जो हमारे पास मेल होता है ठीक है तो वो क्या होता है हेप्लॉड होता है लेकिन उसके गेमिट्स जो होते हैं वो वायबल होते हैं आई समझ तो और क्रोमोजोम नंबर एन होगा तो इसका मतलब यूनिवेलेंट बनेंगे मतलब एक ही क्रोमोजोम होगा ठीक है बाइवेलेंट का मतलब होता है कि दो क्रोमोजोम एक साथ खड़े हैं उस क्रोमोजोम ट्राइवेलेंट ये होता है ठीक है तो हेप्लॉयड हमारे पास मोनोजोमिक भी दे सकता है ठीक है अब जैसे मैंने आपको बोला कभी 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 मिसिंग भी हो जाता है तो मोनोजोमिकमिट्स भी बना सकता है ये ऑल राइट सो तो अगर ये किसी के साथ तो इस टेक्निक को इसने डिस्कवर किया था वीट में मोनोजोमी में ठीक है वीट में मोनोजोमी इसकी वजह से हेप्लॉयड की वजह से होती है ठीक है एंड अब प्रोडक्शन कैसे करते हैं फॉर एग्जाम्पल हैप्लॉयड्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं अब देखो हैप्लॉयड्स को प्रोड्यूस कैसे करते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे पास हैप्लॉड्स होते हैं दे आर नॉट वायबल गेमीट्स वायबल नहीं होते इसलिए हमको उनको फ्रेश बनाना पड़ता है ठीक है तो फ्रेश बनाने के मैथड दे आर वेरी डिफरेंट मैथड्स एक्सेप्ट दिस क्लोनल प्रोपोगेशन क्योंकि क्लोनल प्रोपोगेशन में हमको ए सेक्शुअल प्रोपोगेशन होती है तो इसमें जो uh, जो क्लोन्स होता है वही आपके अपने आप, आपको रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें कोई वो लॉस नहीं होता क्योंकि उसमें गेमिट्स बनते ही नहीं हैं ठीक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होती ऑल राइट नाउ वी हैव डिस डिफरेंट मैथड्स ऑफ द प्रोपोगेशन फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज द हैप्लॉड जो होते हैं साइमेंटेनियसली खुद ब खुद भी बनते हैं इन सम केसिस फॉर एग्जाम्पल इन लो फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल इन मेज दियर फ्रिकुवेंसी वेरीज फ्राम टेन रिस्ट टू पर माइनस थ्री टू टू सम स्ट्रेन एंड टेन रिस्ट पर माइनस टू टू सम स्ट्रेन ठीक है तो स्पॉन्टेसली भी हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं ये इन इन सम स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल इन मेज ठीक है बस ये लिखना है आपको ठीक है तो ये अन एग से हमारे पास बनते हैं दैट इज़ द पारथिनोजिनसिस o seu dia. दें द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस हेप्लॉयड प्रोडक्शन में इम्प्रूव इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं मतलब हम हमको थोड़ा ज़्यादा हेप्लॉयड चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं वी कैन डिले द पॉलिनेशन, ठीक है जितनी जितनी लेट पॉलिनेशन होती है आपको पता है उतनी ज़्यादा लिंकेज वगैरह बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास हमारे पास ये हैप्लॉयड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे ठीक है एंड दिस डिलेड पॉलीनेशन पॉलीनीशन विद इनकम्पेटेबल पोन और वी कैन से दर शॉक्स देंगे इसको टेम्परेचर शॉक या हम एक्सरे ट्रीटमेंट देंगे तो उसकी वजह से भी हमारे पास हैपोलॉयड्स प्रोड्यूस होंगे कॉलचीजेंड ट्रीटमेंट हम करते हैं कॉल ट्रीटमेंट हम करेंगे एपिकल जो हमारे पास मेरिस्टम होगा ठीक है किसी भी नॉर्मल जो डाइसोमिक होगा उसका तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कुछ पोर्शन मैंने आपको बोला था कि कुछ पोर्शन जो हो सकता है वो पॉलीप्लायड होगा ठीक है नॉर्मल डिप्लॉयड का हो सकता है ठीक है तो इसी तरह कुछ पोर्शन जो होगा हमारे पास जैसे कि सोर्गम का सोर्गम की कुछ स्पीशीज में ना हम इसको अगर हम इसके कॉल ट्रीटमेंट दें तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा हैप्लॉयड प्रोडक्शन हो जाएगी कुछ प्लांट जो है हैप्लॉयड बन जाएगा ठीक है अब इसमें ना इनफी थोड़ा ये इनसफिशेंट है क्योंकि रिकवरी नहीं कर पाते हम इसकी क्यों थोड़ा इसका जो uh, रिकवरी है वो बहुत लो है एंड दिस मोर रिलायबल टेक्निक हमारे पास ये है कि पोलन कल्चर करें अब वी नो दैट द पोलन इज़ ए एप्लॉयड ठीक है तो पोलन कल्चर हम करेंगे उसकी वजह से क्या होगा फॉर एग्जाम्पल उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास हेप्लॉयड मिल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल इन्ब्रेसिका हम करते हैं राइस करते हैं टोबैको ट्राइटिकल में हम करते हैं ठीक है तो इन्होंने डिस्कवर की थी दतूरा में ठीक है ऑल राइट सो अनदर टेक्निक इज़ दैट द हेप्लॉयड हम जो बार्ले के हेप्लॉयड है उसको भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे है? जब हम क्रॉस करते हैं इंटर स्पेसिफिक क्रॉस किसकी जो ये हॉडियम बल्बोसम हॉडियम बल्बोसम और हॉडियम वल्गेयर जब हम इसकी क्रॉसिंग करेंगे तो वहाँ पे भी हमको हैप्लॉयड बाले मिल जाता है ठीक है तो उस हेप्लॉयड बाले की हम क्रोमोजोमल डबलिंग कर लेंगे ठीक है देन द the uh, क्रोमोजोम ऑफ हैप्पलॉयड दिस हॉडियम बल्बोसम आर एलिमिनेटेड इसका क्रोमोजोमल इसकी जो है उसकी हम उसको एलिमिनेट कर लेते हैं हाइब्रिड से तो हमारे पास जो बाकी मिलते हैं दैट इज़ द दिस हेप्लॉयड्स मिलते हैं हमको किसके हॉडियम वल्गेयर के ठीक है सिमिलरली हम वीट में भी करेंगे ठीक है तो इसमें हम इसकी ये ये वाली फैमिली में कर सकते हैं फाइनली द इन विट्रो दिस कल्टिवेशन ऑफ ओवरीज विदाउट पॉलिनेशन जब हम करेंगे ना किसी uh, की जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस क्रॉप राइस एंड वीट में हम ये चीज़ें करते हैं तो उसमें भी हमारे पास हेप्लॉइड्स प्रोड्यूस होगा प्रोड्य। ठीक है दिस इज़ मतलब अभी तक पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए ऑलरेडी नाउ जेनेटिक इफेक्ट अब हमको पता है कि जेनेटिक इफेक्ट क्या होता है इसका फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक इफेक्ट इज़ नथिंग बट द इफेक्ट और वी कैन सी द मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्यू टू चेंज ड्यू टू चेंज और वी कैन सी इनकी क्रोमोजोमल का क्रोमोजोम के बिहेवियर की वजह से जो प्रोटीन में प्रोटीन और वी कैन से एक्सप्रेशन में जो ट्रेड्स के एक्सप्रेशन में जो चेंजेस आती है उसी की वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंज भी आ जाती है ठीक है तो जेनेटिक इफेक्ट को भी आ, को ही आप मॉडिफाई करके अगर आपसे मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट्स या फिजोलॉजिकल इंपैक्ट्स पूछे जाएँ तो यू कैन राइट दिस ठीक है सो इन जनरल हैप्लॉयड्स दे अब हमको पता है कि नॉर्मल जो होता है डिप्लॉयड होता है इसके आगे और इसके पीछे जो होगा उनमें प्रॉब्लम होगी ठीक है अब कहीं कहीं भी ज़्यादा क्रोमोजोम होंगे तो थोड़ा फायदा भी होता है ठीक है लेकिन उसमें हम देखेंगे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे अब क्रोमोजोम कम होंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा इसमें देर इज अ मार्क रिडक्शन इन द विगर साइज कम हो जाएगा वेजिटेटिव पॉपुलेशन का या वेजिटेटिव जो वेजिटेटिव तो और रिपोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका साइज कम हो जाएगा इन कंपेयर टू द दैट इज़ टू एन ठीक है और फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे हेप्लॉयड जो है किसका दिस एग्जाम्पल दी हुई हैप्लॉयड ऑफ ए दिस टोबैको इसमें क्या हो जाएगा स्मालर लीव जाएंगे फ्रूट फ्लावर इसका स्मॉल हो जाएगा सीड्स ये स्टोमेटा वगैरह दीज आर स्मॉलर हो जाएंगे और इवन कि इसका जो न्यूक्लियस um, की वॉल्यूम होगी वो भी स्मॉलर होगी इन कम्पेयर टू डाइजोमिक दिस इज द जेनेटिक फैट दैन द सेकंड क्या है हैप्लायड जैसे फॉर एक्जाम्पल बट सम दीज हेप्लॉयडर एक्सेप्शन फॉर दिस ठीक है जैसे कि इस हेप्लॉयड ऑफ ए पोटैटो पोटैटो इट इज़ अ टेट्राप्लॉयड ठीक है फोर एक्स हो जाएगा तो इसका जो हैप्लॉयड होगा दैट इज इक्वल टू देखो ये होता है फोर एक्स कैसे होता है Let me show you. This is two एन इजिकल टू फोर एक्स इजिकल टू कितने आएगा ठीक है ओके सो so, इसकेड में क्या हो जाएगा इसका 2x हो जाता है ठीक है इसका हैप्लॉयड जो होगा और वी कैन से हैप्लॉयड जो इसका होगा समझ रहे जो हो जो होगा इसका दैट विल बी डाइजोमिक हो जाएगा हमारे पास कितना ट्वेंटी तो अभी इसको बनाएंगे कैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जो हमारे पास होगा वो ऐसे होगा ठीक है इसको मैंने फोर्टी बनाए थे तो टेन टेन होंगे ठीक है लेकिन जो टेट्राप्लॉयड होता है दैट इज इक्वल टू दिसके ठीक है तो ये होगा 4x तो इसमें हमारे पास 40 होंगे तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं 2n एन इज टू फोर एक्स इज टू फोर्टी सो इट इज टेट्राप्लॉयड पोटैटो ठीक है उसके बाद पोटैटो ब्रीडर्स ने इसमें क्या हो जाता है इसमें इसकी विगर जो होगी मच दिस विगर आर एज विगर एज मतलब जो नॉर्मल हमारे पास जो इसकी जो नॉर्मल डाइसोमिक दैट इज़ दी फोर एक्स है इसका जो तो उसका हमारे पास जो विगर है वो इसके साथ कंपेरेबल है ठीक है तो मोस्टली हमारे पास क्या होता था इसकी विगर कम हो जाती है लेकिन इन केस ऑफ दिस वी हैव कंपेरेबल ठीक है आपको नॉर्मली क्या होता है अगर जेनेटिक फेट हम पूछेंगे तो हम ये सब लिखेंगे ठीक है तो एक्सेप्शन ज़रूरी नहीं लिख सकते हैं लेकिन अगर हमको डिटेल में पूछे जाएंगे दैन वी कैन राइट दिस ठीक है तो दिस इज़ ये है जो भी है देर फॉर द क्रोमो जो ब्रीडर्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं ये ब्रीडिंग प्रोग्राम में हाइब्रिडाइजेशन जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो हैप्लॉयडीडीडीडीडीड लेवल पे कर रहे हैं अब हेप्लॉयड लेवल पे करेंगे उसके बाद इसकी क्रोमोजोमल डबलिंग कर लेंगे तो हमको नॉर्मल टेट्रोप्लॉड मिल जाएगा ठीक है क्योंकि जैसे हेप्लॉयड लेवल पर अगर हम वो जैसे मतलब टू पे अगर हम वो सिलेक्शन कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा ईजी है ये ठीक है उस पर और मतलब इक्री यहाँ पर क्या हो जाएगा जहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल है उसके बाद इसकी डब्लिंग कर लेंगे क्रोमोजोमल डब्लिंग तो क्रोमोजो विल बी डबल डेट इज फोर एक्स तो इट वी विल गेट नॉर्मल दिसड वट इज दिस पोटैटो ठीक है अब इसका यूज़ कहाँ है जैसे मैंने आपको बताया इसका यूज़ कहाँ है अब देखो यूज इसमें क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कहाँ पर यूज है फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं ना क्रोमोजोमल डबलिंग करते हैं हेप्लॉइड की अगर हम क्रोमोजोमल डबलिंग करेंगे किसी हैप्लॉयड की तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा डायजोमिक मिल जाएगा ठीक है डायजोमिक मतलब फॉर एग्जांपल हैप्लॉयड ये है तो इसकी क्रोमोजोमल डब्लिंग करते हैं तो ये इस तरह का मिल जाएगा ठीक है तो ये इसको सिर्फ दो साल लगते हैं बनने में इन कंपेरिजन टू तो अगर हम इस, मतलब दूसरे जैसे सेल्फिंग वगैरह से अगर हम करें तो इट विल टेक सिक्स टू सेवन ईयर्स ऑल्सो दिस सर्वल डबल डबल हेप्लॉयड जैसे डबल हेप्लॉयड मतलब वही क्रोमोजोमल डब्लिंग करेंगे तो किसकी करेंगे एंथरकल्चर की फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई डिप्लॉयड है अब कोई डिप्लॉयड है जैसे मान लो टू एन इजिकल टू ट्वेंटी दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल मेज़ है अब मेज़ में ना फॉर एग्जाम्पल इन केस प्रॉब्लम हो रही है कि जो हमारे पास वैरायटी है वो उसको हम कमर्शियली वो नहीं कर रहे ठीक है तो uh, मतलब उसको हम कमर्शियल रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे उसका हैप्लॉयड जो होगा ना हैप्लॉयड को लेंगे उसका uh, क्या करेंगे मतलब उसको उसको उसका क्रोमोजोमल डबलिंग करेंगे डिप्लॉयड बना देंगे उसको ठीक है डिप्लॉयड बना देंगे उसका उसके बाद उसको रिलीज करेंगे एज ए वैरायटी ठीक है तो दीज तो आर सम यूज़ेस और बाकी सब में यही होगा फॉर एग्जांपल इसको हम दिस इज़ आल्सो यूजफुल इन आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स अब म्यूटेंट्स जो एम वन जनरेशन में एम वन जनरेशन में एम वन जनरेशन इज़ द मतलब म्यूटेशन की जनरेशन जहाँ पे फर्स्ट टाइम म्यूटेशन हमको दिखती है और वी कैन सी द एक्सप्रेसड सेल्फ तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं देन द सिलेक्शन ऑफ द दप्लॉयडी लेवल जैसे मैंने आपको पहले बता दिया हैप्लॉयडी लेवल पर सिलेक्शन इज मोर इफिशियंट देन द डिप्लॉयडी लेवल पर्टिकुलरली किस में लूसन में हम हम ये करते हैं तो उसके बाद इसके ऑटो ट्रट्रोप्लॉड बना देते हैं मतलब क्रोमोजोम डबलिंग कर लेते हैं तो वी विल गेट ऑटो ट्रेट्रोप्लॉयट ठीक है ओके सो इन टेट्राप्लॉयड लाइक पोटैटो ब्रीडिंग इज़ कंपेरेटिवली इजियर इन दिस टू एक्स दैट इज़ दप्लॉयड ओके कंपेरिजन टू टू टेट्राप्लॉयड जो ऊपर लिखा था वही लिखा हुआ है इन सर्टन केस जैसे एस्परगस एसपेरिग्स uh, में क्या होता है कि हेप्लॉयड्स फ्रॉम ए मेल हम लेते हैं ठीक है उसको उसको हम ये बना देते हैं वाई वाई उसके बाद क्या करते हैं इसका क्रॉसिंग करेंगे तो सारे के सारे मेल ही प्रोड्यूस होंगे ठीक है अगर हमको मेल चाहिए होगा इसमें तो ठीक है तो क्योंकि इसमें अब जो होगा इसमें क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल पार्ट या इसकी हमारे जो ब्रीडिंग मैथ ये होगा कि दैट इज ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ठीक है तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं सो दिस इज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मोनोप्लॉयडी और यू कैन से हैप्लॉयडी ठीक है मोनोप्लॉयड इज जस्ट नथिंग बट अ सिंगल कॉपी ऑफ अ जिनो दैट इज मोनोप्लॉइड हैप्लॉयड क्या हो सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द प्लॉयडी लेवल हैप्लॉयड मतलब जो जिनोम में क्रोमोजोमल सेट्स होते हैं ठीक है जिनोम में क्रोमोजोमल सेट्स होते हैं दैट इज़ द दप्लॉयड अब ये डिप्लॉयड भी हो सकते हैं ट्रेट्राप्लॉड भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है ऑल राइट नाव द पोलीप्लॉइड्स अब जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है हमारे पास डिप्लॉय्स सॉरी डिप्लॉयड्स इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस इज मोस्ट कॉमन डिप्लॉयड्स है हमारे पास अगर कम होगा दैट इज द दप्लॉयड और वी कैन सी द मोनोप्लॉयड मोनोप्लॉयड एंड हैप्लॉयड तो कुछ नहीं इट इज द गेमेटिक गेमेटिक क्रोमोजोमल जीनोम सेट जीनोम सेट ओके एंड दिस इज पॉलीप्लाइड, मोर देन टू मोर देन टू सेट्स ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल दिस आर टू अब यहाँ से ट्यूब से ज्यादा भी हो सकते हैं दिस इज थ्री एंड अगर टेट्राप्लाइड होगा तो दिस इज फोर अब क्या होता है ना जो एडिशन होती है ना इट डिपेंड्स अब ये सेम स्पीशीज से भी आ सकता है देन इट इज कॉल्ड ऑटो सॉरी इट इज कॉल्ड ऑटो पोलिप्लॉयड एंड ये डिफरेंट स्पीसीज से भी आ सकते हैं देन इट इज कॉल्ड ओलोपोलीप्लॉयड ठीक है सो पोलिप्लॉयड का मतलब क्या होता है एन इंडिविजुअल हैविंग टू हैविंग मोर देन टू बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोजोम ठीक है मोर देन टू बेसिक और वी कैन से द मोनोप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोजोम इज नॉन एज पोलिप्लॉयड एंड सच कंडीशन इज नॉन एज पोलिप्लॉयड ठीक है अब इसका यूज़ कैसे करते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस पोलिपोलॉट ब्रीडिंग क्या है इसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें ब्रीडिंग uh, क्योंकि ब्रीडिंग में क्या होता है ना हमारे पास पॉलिपोलाइट ब्रीडिंग होती तो है तो उसको भी इसी में इंक्लूड कर दिया ठीक है तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ एनी क्रॉप जेनेटिक इंप्रूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस वील्ड जैसे मैंने आपको बताया था भी पहले भी क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या होता है क्रॉप इंप्रूवमेंट में हम यील्ड बढ़ाते हैं क्वालिटी बढ़ाते हैं डिजीज रिजिस्टेंस बढ़ाते हैं ठीक है तो दीज द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ ए क्रॉप प्लांट और वी कैन से थ्रू द मैनुपुलेशन ऑफ द क्रोमोजो नंबर

एक और ए ए ही इसमें ऐड कर दूंगा देन इट इज़ नॉन एज ऑटो बट ऑलो मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए ए है इसमें मैं कोई दूसरा ऐड कर दूंगा ठीक फॉर एग्जाम्पल बी बी मान लो ऐड कर दिए तो दिस बिकेम ऑलो ड्लाइड ठीक है अब देखो इसमें क्या होता है दिस इज ऑटो ट्राइप्लॉयड मतलब तीन बार अगर होगा तो ट्राई होगा फोर बार होगा फोर टाइम्स अगर होगा तो देन इट इज़ नॉन एज दिस टेट्राप्लॉयड पेंटाप्लॉयडाप्लॉड सो दिस आर पॉलीप्लाइड ऑटो पॉलीप्लॉय एंड इन केस ऑफ दिस ऑटो सॉरी दिस ऑलो पॉलीप्लाइड वी हैव ए कंडीशन वी आर दिस जिनोम सेट जो टू और मोर स्पीशीज से कंबाइन होकर आया होगा फॉर एग्जाम्पल दिस ओलो टेट्राप्लॉयड इसमें क्या होगा टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू टू एक्स वन का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल टू एक्स होता है हमारे पास जैसे ए ए होता है और वी कैन से मैंने एक्स एक्स भी दिया आपको ठीक है अब प्लस टू एक्स जिसको इसको वन मान लेंगे इसको टू मान लेंगे लेंग, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है ना ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसमें बी बी आएगा ठीक है तो ये ऑलो ट्रेक्ट्राप्लॉयड है क्योंकि इसमें दो जो है वो डिफरेंट से आ रहे हैं इसी तरह हेक्ॉपलॉयड में क्या होगा एक ही होगा एक ही होगा एक ही होगा फॉर एग्जाम्पल ए बी बी एंड सी सी ठीक है इसी तरह आगे होगा ए बी बी सी सी डी डी ऑल राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑटो पॉलीप्लॉइड नाउ इट एन इंडिविजुअल सेम वही डेफिनेशन विद सम चेंज इन द वर्डिंग फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल हैविंग मोर देन नाउ मोर देन टू कॉपीज ऑफ ए सेम जिनोम बस ये सेम लगा दिया हमने ये वर्ड लगा दिए सेम जिनोम इट इज़ नॉन एज ऑटोपोलिप्लाइड एंड द कंडीशन इज नॉन एज ऑटोपोलिप्लाइडी सो अब ये जो है ना ऑटोपोलिप्लाइडी इट इज़ नथिंग बट दिस द आउटकम ऑफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम क्रोमोजोमल डब्लिंग करते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम का सेट है दैट इज ए अब इसकी क्रोमोजोमल डब्लिंग कर लूंगा मैं तो ये ए ए बन 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 जाएगा ठीक है इसकी डब्लिंग करूंगा तो ये दो दो बन जाएंगे ए ठीक ए, ए। है तो ये हमारे पास क्रोमोजोमल डबलिंग से बनता है अब हम देखते हैं कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ट्राइप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड ठीक है तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे और इसका इंप्रूव उसका वो भी देखेंगे कि मतलब देयर इंप्रूवमेंट इन क्रॉप दिस इम्पॉर्टेंस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट ठीक है ये क्वेश्चन है आपने पूछा गया है ना आटोपोलिप्लाइट्स कैसे बनते हैं फॉर एग्जाम्पल क्रोमोजोमल डबलिंग से तो बनते हैं लेकिन बनते कैसे वट आर द डिफरेंट मैथड्स सबसे पहले स्पॉन्टेनियसली हो जाती है कभी कभी क्या हो जाता है ना जो uh, हमारे पास ओकेजनली कुछ uh, जो इंडिविजुअल्स में क्या हो जाएगा टू एंड गेमीट ही रहेगा ठीक है अनरिड्यूस रहेगा जिससे फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल में हमारे पास कितने होते हैं हमारे पास uh, मान लो मेल में ये होता है फीमेल में ये होता है और मेल में ये होता है ठीक है दिस मान लो ठीक है बाकी तो सेम होगा अब जब क्या होगा ना अब जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका गेमीट्स जो होगा ना इसका अनरिड्यूस्ड हो जाएगा मतलब गेमीट्स का इसमें रिडक्शन होगी नहीं ये टू एन ही रहेगा और इसका मान लो एक ही गेमीट बनेगा एन ये वाला और एक एक ये वालेगा हीरो गेमिटें है हम मतलब हमें हमारे में डिफरेंट गेमिट्स बन बनते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ो हमने मेल वाले को लिया यानी हमने फीमेल वाले को लिया ठीक है तो जब ये प्रोड्यू ये होगा इसमें क्या होगा इसकी क्रॉसिंग होगी तो इट विल बिकम थ्री एक्स वीकेंसी एक्स ले लेते हैं ठीक है क्योंकि एन जो होता है प्लॉयडी लेवल को बताता है तो हम आ, दिस डिप्लॉयडी ट्रिप्लॉडी डाइजोमिक कंडीशन को बताता है तो थ्री एक्स हो जाएगा इसका तो ट्राइप्लॉयडी ऐसे बनती है। मतलब दिस, दिस स्पॉन्टेनियसली बन देती कभी कभी ये अनरिड्यूज गे मीट्स अगर बनेगा तो इसमें क्या हमारे पास ट्रेट्राप्लॉयड बन सकता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इनने क्या किया दोनों को ले लिया जिस मतलब दोनों एन अनरिड्यूस ले लिया उसकी सेल्फिंग करा दी है ठीक है मैं आपको ट्राई ट्र, ट्रेट्राइप्लॉयड बना के भी दिखा रहा था ठीक है दिस इज हाउ इट विल बिकम ट्रेट्राप्लॉइड ठीक है फॉर एग्जाम्पल उसके बाद क्या होता है जैसे मान लो क्रोमोजोबल डब्लिंग हो जाती है कहीं सोमेटिक सेल की तो उसमें जो बर्ड वहां से अगर जो ए, कोई बर्ड निकलेगी ना उसको हम क्या बोलेंगे दैट बर्ड विल बिकम ट्रेट्राप्लॉयड बर्ड ऑल राइट और एडवेंटिशज जैसे मैंने आपको बताया कि एडवेंटिशस कोई भी एक पार्ट भी जो है वो पोलीप्लॉडी शो कर सकता है तो एडवेंटिशस बर्ड्स जो होती है वो हमारे पास पोलीप्लॉयडी अगर हम उसकी डीकैपिंग कर देंगे मतलब बर्ड का ऊपर वाला पार्ट काट कट कर देंगे तो उसकी उसमें भी पॉलीप्लॉड आएंगे फॉर एग्जाम्पल सोलनेसी में क्या होता है सोलने ई ई है ये दिस इज ई ए सी ई सोल में थर्टी सिक्स से थर्टी सिक्स परसेंट जो शूट्स होते हैं दे शो टेट्राप्लॉयड ऑल राइट right. और फिजिकल एजेंट्स इसमें तो है ही फिजिकल एजेंट्स फॉर एग्जांपल दिस हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट अगर हम दें या एरीडेशन दें प्लांट को या सीड को तो किसके साथ एक्सरे या गामा रे के साथ करें तो उसमें भी पॉलिपोलॉडी मिलेगी हमको इन लो फ्रीक्वेंसी कौन सी पॉलिप्लॉडी ऑटो पॉलिपोलॉडी क्योंकि आप देखो एक ब्रांच में जो होगा ना इसमें तो दूसरा कोई आएगा नहीं फॉर एग्जांपल इसमें जो अपना क्रोमोसोम होगा ए ए होगा तो उसी की डबलिंग हो जाएगी या ट्रिपलिंग हो जाएगी ठीक है बाहर से तो कोई दूसरा क्रोमोजोम नहीं आ रहा ना इसमें दूसरे क्रोमोजोम कब आएगा जब इसकी क्रॉसिंग हो जाएगी किसी के साथ ठीक है सो ऑटो पॉलीप्लॉयड्स ऐसे बनते हैं फॉर एग्जाम्पल रीजनरेटिव इन विट्रो इन विट्रो में अगर फॉर एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर में अगर हम क्या करते हैं टिश्यू कल्चर में भी कभी कभी हमारे पास वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में मतलब डिपेंड्स ऑन द प्लांट टू प्लांट और मीडियम वगैरह जो भी है तो उस पर डिपेंड करता है तो इन विट्रो में भी हमारे पास क्या बन जाते हैं ऑटो टेट्रा प्लॉड और विकेंसी ट्राइप्लॉयड कुछ भी बन सकते हैं ठीक है दैट इज द पॉलीप्लॉड बनते हैं हमारे पास तो ऑटो क्यों बनते हैं क्योंकि एक ही मटीरियल uh, होता है उसमें तो सेम क्रो स्पीशीज होगी तो अपना ही जो है उसी की डबलिंग हो जाएगी सम केमिकल जैसे कि एसीनेपथिलीन और एट एट या एट हाइड्रोक्यूनोक्यूनोलिन और नाइट्रोस ऑक्साइड इनकी वजह से भी क्रोमोजोमल डबलिंग जो है उसका इंट्रोडक्शन होता है इंडक्शन होता है Now, methods, uh, is, uh, ठीक है नाउ दीज आर सम मेथड बट द मोस्ट एफिशियंट दिस मैथड इज वी नो दैट दिस इज द क्रोमोजोमल दिस इज कॉलिजीजिन ट्रीटमेंट ठीक है कॉलिजीन ट्रीटमेंट हम करते हैं अब इसमें क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे सीड की ट्रीटमेंट कर देंगे शूट की या टिप की ट्रीटमेंट कर देंगे कॉलिजीजीन से ठीक है तो बस वो तो कॉलिजिजन ट्रीटमेंट क्या करता है सॉरी दिस कॉलजिजिन केमिकल क्या करता है इट इंटरफियर विद अब देखा स्पिंडल फाइबर फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेटाफेजिक है ना दिस माइटोटिक माई मियोटिक मेटाफेस ठीक है मतलब मेटाफेस वन तो इसमें हमको पता है ऐसे जो क्रोमोजोमल होमोलोग क्रोमोजोम होते हैं वो एक क्रोमोजोम इस तरह से अटैच होता है इस क्रोमोजोम इस तरह से तो अब अगर हम मान लो इन्हीं के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा है. ठीक है तो इस ये, ये इसको आ, मतलब स्पिंडल फाइबर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तो ये मान लो ए की तरफ चले जाएंगे ठीक है तो दिस विल क्रिएट द डबलिंग ऑफ ए क्रोमोजोम ठीक है तो क्रोमोजोम का डब्लिंग हो जाएगा चार के चार क्रोमेटेट जो होगी एक साथ आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा क्रोमोजोम में डब्लिंग हो जाएगी ठीक है ये ये हमारे पास उसमें होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम इसका यूज़ करते हैं सो दिस इज द मोस्ट डिफिशेंट मैथड बाकी ये भी मैथड है अलग अलग फ्रिकवेंसी में थोड़ थोड़ी थोड़ी फ्रिक्वेंसी इसमें में हमको क्या मिलता है पोटो पोलिप्लॉयट दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस और वी कैन से वी क्रिएट ऑटो पोलिपोलॉइट्स ठीक है नव जेनेटिक फैक्ट अब ना इसमें क्या होता है जेनेटिक फैक्ट से और वीकेन सी द मॉर्फोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है अब देखो जैसे मान लो एक ही स्पीशियस का हो, है ये फॉर एग्जाम्पल ये वेरी करता है अलग अलग स्पीशज से अब एक ही स्पीशीज का इसमें वो है तो इसमें क्या हो जाता है कुछ कॉमन फीचर है जैसे फॉर एग्जाम्पल मै आई टोल्ड यू दिस इज देनेटिक फैक्ट और वी कैन सी द मॉरफोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ऑटोट ऑटोपोलॉइट्स it shows variation means the uh, the if impacts are different in different crops or varieties and the depends on the polarity level and all so but there are some common features that are common to most of the uh, plants or we can say the most of the auto tetraploid or we can say the auto uh, this polyploids okay so these are the first is the gigantism गिगेंटिज्म में क्या होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फ्लार इतना फ्लार का साइज़ इतना सा है तो जो पॉलीपोलाइड्स है ऑटो पॉलिपोलाइट उसका फ्लार का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा ठीक है तो दिस शोज़ गिगेंटिज्म दैट इज़ द जनरल राइज और वी कैन सी द इंक्रीज इन द विगर एंड द साइज ठीक है बट दिस ऑटो पॉलीपोलाइट्स ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज आर वीकर एंड स्मॉलर इन नंबर ठीक है होते है तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और विगर हो जाते हैं लेकिन कहीं कहीं पर हमको इसका साइज़ छोटा भी और स्मॉलर इन साइज़ भी मिलता है वही एक्सेप्शंस ठीक है तो आपको देखना है फिर एक्सेप्शन लिखनी है कि नहीं देट डिपेंड्स ऑन यू एंड द सेकेंड कंडीशन इन जनरल द लीवस ऑटोपोलीप्लाइट्स इन जनरल द लीवस ऑफ ऑटोपोलीप्लाइट दे आर दिस इट इज दे आर कहा गया दे आर लार्जर इन साइज एंड थिक्कर एंड देर फ्लावर्स फ्रूट्स ये जो होगा ये सब लार्ज होगा लेकिन इनका नंबर जो होगा वो कम होगा ठीक है जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि तो शो करता है लेकिन इसका नंबर होगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके उसमें सो वो लगते हैं फॉर एग्जांपल हंड्रेड एप्पल्स तो इसमें फिफ्टी ही लगेंगे लेकिन उनका साइज होगा बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है ये इस कंपेरिजन टू दिस साइज विल बी दिस ठीक है सो एंड द सेल पोलन सोम स्टोमेटा ये भी डिप्लॉय के लेवल पे क्या हो जाएगा इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा ठीक है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मतलब मोस्ट कॉमन फीचर इज़ द गेगेंटिजम इंक्रीज़ इन द साइज़ और नंबर जो होता है वो कम हो जाता है ठीक है फिर आप अलग अलग नंबर बता देना कि इसका मतलब पोलन ग्रेन स्टोमेटा इसका भी जो साइज़ uh, होता है वो भी बढ़ जाता है ठीक है द नेक्स्ट वन इज ऑटोटलीप्लाइड दे आर जनरली स्टेराइल अब ये क्या होता है ना इन इनमें भी स्टेरिलिटी हो जाती है वेरिएबल अब ये स्टेरिलिटी जो भी जो होती है ये भी वेरिएबल होती है ठीक है अब स्टेरिलिटी क्यों हो जाती है क्योंकि ये हमारे पास वही जब जब हम इसको मेटाफेज पे करते हैं तो इसमें रेगुलर जो डिवीजन होती है वो वो नहीं हो, हो पाती इसलिए ये इनवाइबल बना लेता है गैमेट्स ठीक है ओके एंड दियर ग्रोथ और इनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है ठीक है दियर ग्रोथ इज़ जनरली स्लो एज कम्पेयर टू दिस डाइजोमिक और वी कैन से द डिप्लॉय स्पीशियस और इनकी फ्लारिंग भी लेट हो जाती है ठीक है तो दिज आर सम ड्रॉबैक्स और वी कैन से दम दिस लिमिटेशंस और वी कैन से जेनेटिक इफेक्ट अब इसको ही आप आ, मतलब अपने हिसाब से यू कैन राइट दैम इन लिमिटेशन और मोरफोलॉजिकल इम्पैक्ट्स और दिस पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इट डिपेंड्स एंड यूजली टेटराप्लॉड्स ये अब इसमें क्या हो जाता है ना जब ये बड़े हो जाएंगे तो इसका साइज होगा और वी तो हो कैन से वेट भी होगा इसका इंक्रीज होगा नॉर्मल डाइजोमिक कंडीशन से ठीक है नॉर्मल जो डाइजोमिक प्लांट होगा या उसके कंपेरिजन में जो टेट्राप्लॉयड हो गए या लो पॉलीप्लॉयड होंगे सॉरी ऑटो पॉलीप्लॉयड होंगे इनका जो वेट होगा वो बड़ा होगा लेकिन अब वेट बड़ा होगा तो इस लेकिन इनका जो ड्राई वेट होगा ना कंपेरेटिवली वो कम होता है ठीक है ड्राई वेट मतलब इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है ठीक है फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रूट्स फु, या कोई वेजीज ऐसे खाए होंगे जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा मतलब उसका टेस्ट ही नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि उसमें वाटर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा इतना आपने देखा होगा ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस जो भी ये कद्दू वगैरह आते हैं तो इनका भी साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है किसी किसी में या जो कम्बर वगैरह है तो आप नॉर्मल से देखो बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा ना उनका टेस्ट नहीं आता क्यों बिकॉज दे आर दे हैव दिस ड्राई वेट कंटेंट कम हो जाएगा और वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा उसमें ऑलराइट सो द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द पोलाइडी अब देखो ऑप्टिमम लेवल क्या पोलॉयडी का थ्री एक्स से शुरू हो जाता है और ये हमारे पास ए टू टेन एक्स में भी मिल जाता है थ्री एक्स किस में मिलता है जैसे शुगर बीट में थ्री एक्स मिलता है टाइपलॉयडी हमको पता है डाइपलॉयडी तो नॉर्मल है तो इसके बाद थ्री से शुरू हो जाएगा टिमोथीग्रास टिम होता है इसमें क्या होता है ए टू टेन वी हैव दिस पोलॉयडी लेवल ऑफ ए टू टेन और वी कैन से द ऑक्टोपलॉयड ठीक है ऑक्टा भी मिल जाता है एट टू टेन मिल जाता है इसमें मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट वही जो मैंने आपको ऊपर बताया दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट मैंने वही वापस से लिखा हुआ इसको फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल लीव जो होगा वो थिकर होगा और चौड़ा हो जाएगा उसकी स्टेम्स एंड दी लीव्स फ्लैशी थी हो जाएंगे ग्रीन कलर ज़्यादा हो जाएगा इसमें रूट हो जो होंगे स्ट्रॉगर हो जाएंगे फ्लार ये दीज आर द लार्जर इन साइज़ इन कंपेरिजन टू द डिप्लॉय्स मेचोरिटी जो होगी वो स्लो होगी मतलब मेचोरिटी ड्यूरेशन मतलब ये स्लो ग्रो करेंगे ओके फाइन वाटर कंटेंट इज़ हाई और ड्राई वेट इसका जो होगा या ड्राई मीटर कम होगा अब अगेन दिस साइटोलॉजी इसकी साइटोलॉजी क्या होगी अब देखो इसका क्रोमोजोमल बिहेवियर क्या होगा हमको पता है इसमें अगर जितने ज़्यादा क्रोमोजोम होंगे उतने ही जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्री होंगे तो ये कितना बनाएगा मल्टीवेलेंट मतलब ट्राई बना देगा मेटाफेज पे ठीक है नॉर्मल क्या होता है बाय बनता है हमारे पास नॉर्म में एक किसके साथ अटैच एक किसके साथ अटैच लेकिन अगर यहाँ पे तीन होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा ट्राईविलन बन जाएगा दैट इज द मल्टीवेलेंट वी कैन से द मल्टीवेलेंट ट्राई उसके बाद ट्राईवेलन भी बन सकता है अगर हम ट्रिपलॉइड्स की बात करें तो थ्री होमोलोक्स जैसे मैंने अब आप आपको डायग्राम बना के दिखाया है थ्री होमोलोक्स क्रोजोम्स होते हैं तो यहाँ तो आप देखो जिसमें कंडीशन बनती है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें या तो जब हमने वो ट्रिप्लॉड ट्राइजोमी पड़ी थी तो उसमें भी क्या होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल या तो इसका दो और एक अलग हो जाएगा ठीक है या तो ट्राईवेलेंट बन जाएगा या तो द दाईवेलेंट एंड यूनीलेंट बन जाएगा ठीक है इट डिपेंड्स और एना फेस में क्या होगा डिसजंक्शन अगर जो होगी इसकी तो या तो ये मतलब यूनीलेंट होगा ठीक है एंड इट इज़ इरेगुलर जो मतलब गेमीट्स होंगे वो एनीप्लॉय्स गेमीट्स, गेमीट्स बनाएंगे और वी कैन से एनी प्लॉइड गमेंट इसमें एक क्रोमोजोम जो होगा वो क्रोमोजोम नंबर कम या ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है एज ए रिजल्ट जो हमारे पास ये होता है ये क्या हो जाएगा एनी पॉलीप्लाइड्स uh, बनाएंगे ठीक है जैसे ट्राइजोमिक डबल ट्राइजोमिक ये हमारे पास इससे बनते हैं और जो मोस्ट ऑफ द जो ट्रिप्लॉड्स के गेमेंट्स होते हैं वो अनबैलेंस होते हैं और इनवायबल होते हैं ट्रिपलॉयड के गेमेट फॉर एग्जांपल दे आर हाईली स्टराइल ट्रिपलॉइड जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस अब फॉर एग्जाम्पल ये है ट्रिप्लॉयड तो इसमें क्या होगा दो इधर चले जाएंगे एक इधर चले जाएगा तो गेमीट जो होंगे अनवाइबल होंगे अब फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारे पास टेट्राप्लॉड होगा तो टेट्राप्लॉयड में तब भी क्या हो सकता है दो इधर चले जाएंगे दो इधर चले जाएंगे तो फिर भी हमारे पास तो क्या हो जाएगा ये थोड़े मतलब इन टू सम देयर गेमिट्स विल बी फर्टाइल ठीक है इवन दिस ऑड नंबर में हमारे पास जो क्रोमोजोम्स होते हैं दे आर ऑड नंबर में क्रोमोजोम्स हमारे पास जो होते हैं दे आर लो इन फर्टिलिटी ऑल राइट सो इवन नंबर में क्या होंगे दे आर फर्टाइल एंड इन इन केस ऑफ ऑटो ट्रट्राप्लॉयड वी हैव फोर जैसे ऑटो ट्रेट्राप्लॉयड मैंने आपको अभी बताया फोर होते हैं तो इसमें क्या बनेगा कॉर्डिवेलेंट बन जाएगा ठीक है फोर होगा तो कॉर्डीड Caud... अब डिसजंक्शन इसका कैसे हो सकता है डिसजंक्शन जो हमारे पास या तो ट्राईवेलेंट बन जाएगा ऐसे और एक हो जाएगा या तो इसका दो, दो दो करके हो जाएगा ठीक है तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास अलग अलग तरीके के गैमिट्स बन जाएंगे टेट्राप्लॉयड में जो कि अनबैलेंस होगा मतलब तो बैलेंस भी हो सकता है अनबैलेंस भी हो सकता है और और हैंड्स वायबल होंगे ठीक है कुछ वायबल होंगे कुछ वायबल नहीं होंगे द द फर्टिलिटी ऑफ ऑलर टट्राप्लॉयड जो होंगे, दिन मैंने वही बताया इनकी जो हो गया वो वेरी वेरी करती है फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़ में अगर हम देखें मेज़ स्टोरिया में ठीक है इसमें वेरी करती है फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इन केस ऑफ इस राई की बात करते हैं ठीक है राई की बात करते हैं पिटकस राई तो पिटकस राई जो होती है इसकी फर्टिलिटी को हमने इंक्रीज़ किया 60 परसेंट से लेके 75 परसेंट ठीक है अब हम कैसे कर सकते हैं थ्रू सिलेक्शन ठीक है सिलेक्शन ओवर द सिक्स ईयर्स हमने इसकी सिलेक्शन की तो पिटकस जो राई है इसकी हमने वी हैव इंक्रीज द फर्टिलिटी थ्रू सिलेक्शन एंड पिटकस राई इट इज़ द ड्यूअल पर्पज़ राई ठीक है ड्यूअल पर्पज़ क्रॉप है दैट इज द ग्रीन के लिए भी एंड दिस फोर्डर के लिए भी ठीक है सो दिस इज़ द साइटोलॉजी अभी तक नहीं पूछेगी बट इन केस थोड़ा सा है इसमें द रोल अब रोल क्या है इसमें दिस एवोल्यूशन मेंउ दिस ऑटो पॉलीप्लाट दे हैव लिमिटेड रोल क्यों क्योंकि लिमिटेड रोल क्यों है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है ना जो क्रॉस uh, ब्रीडिंग नहीं होती है वेकेंसेज ब्रीडिंग नहीं होती अपने ही से बनाते हैं तो लेकिन देयर आर फ्यू सक्सेसफुल क्रॉप्स लाइक फॉर एग्जांपल दिस पोटैटो दिस इज ऑटो टेट्राप्लॉयड एंड पीनट दिस इज आल्सो टेट्राप्लॉड ऑटो टेट्राप्लॉड कॉफी यूस दिस इज ऑल्सो टेट्राप्लॉड बनाना इज एज ट्राइप्लॉड क्रॉप ठीक है दैट इज ऑटो ट्राइप्लॉड क्रॉप एंड पोटैटो स्वीट पोटैटो ठीक है सो दे आर सक्सेसफुल इन सम ऑफ द क्रॉप्स जैसे मैंने बताया दीज आर द क्रॉप्स इन एडिशन मैनी फॉरेज क्रॉप्स या जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होते हैं दे आर ऑल्सो मोर लाइकली क्या होता थे क्योंकि देखो अब फॉरेज क्रॉप में हमको क्या चाहिए वी नीड मोर दिस वेजी पार्ट ठीक है तो ऑर्नामेंटल प्लांट में हमको क्या चाहिए साइज बड़ा चाहिए फ्लार का ठीक है तो सो दे आर मोर दिस ऑटो पॉली बट रिज़ल्ट फ्रॉम रिसेंट हमको दिखाया गया है कि जो हमने ये इसकी मतलब हमने क्या की कि हमने देखा कि जो पीनट होता है कॉफी में दे आर मोर लाइकली ओलो दिस ओलो पॉलिप्लाइड्स ठीक है जो पीनट वगैरह होते हैं ना दिस पीनट एंड ये क्या है इनकी हमने अभी हमने इसकी स्टडी की थी थ्रू जिनोमिक इंस्टिटू हाइब्रिडाइजेशन तो इससे हमको पता चल जाता है कि इसकी ज़्यादातर जो स्पीशीज है दैट इज़ दी ओलो पॉलिप्लाइड है इसकी ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल एक ही की स्पीशीज़ जो हो सकती है वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन हैज़ दिस फिफ्टी फोर आई गेस फिफ्टी फोर स्पीशीज होती है एंड मोस्टली दे आर दिस टेट्राप्लॉयड ओनली सिक्स इज टेट्राप्लॉयड बाकी जो है हमारे पास क्या है दे आर डाइप्लॉयड डिप्लॉयड ठीक है तो इसमें डिप्लॉयड है बड़ी सारी तो ये हमारे पास सिक्स जो है वो टेट्राप्लॉयड और ये भी जो है वो ऑल ओ टेट्राप्लॉयड है ठीक है नॉट ए ऑटो अब इसका एप्लीकेशन क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट में ठीक है एप्लीकेशन अब इसका जैसे देखो हमारे पास क्रॉप इंप्रूवमेंट में इसका लिमिटेड एप्लीकेशन है जैसे हमने देखा अभी लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं ठीक है जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें ट्राइप्लॉडी की ट्राइप्लॉडी वाटर मेलन जो होता है वो उसके एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद टेट्राप्लॉयड ट्र, ट्र, की देखेंगे ठीक है ट्राइप्लॉड में क्या है ठीक है दीज आर द टू पॉइंट जस्ट लेक मी ठीक है टेट्रा दिस ट्राइप्लॉयड वाटरमेलन जो होता है हमने उसको कैसे बनाया हमने उसको फीमेल को टेट्राप्लॉइड की को क्रॉस किया है इसको हमने डिप्लॉयड से नॉर्मल डिप्लॉयड से क्रॉस किया अब इसका जो गेमिट्स बनेगा वो होगा टू एक्स और इसका जो होगा वो एक्स होगा तो इसका बनेगा हमारे पास थ्री एक्स ठीक है दिस इज अ ट्राइप्लॉयड और भी कैसे ट्रिप्लॉयड वाटरमेलन अब इसका इसका फ़ायदा क्या है इसका कॉप इम्प्रूवमेंट में कैसा फ़ायदा है इसका क्या फ़ायदा है कि जो ये जो वाटर है ना टेट्राप्लॉयड इट हैज़ रिड्यूमेंट्री सीड्स ठीक है जब हम इसको खाएँ खाएंगे तो हमारे मुंह में सीड्स नहीं जाएंगे ठीक है तो इट इज़ लेस ऑब्जेक्शनेबल ठीक है हम इसको बहुत छोटे सीड्स होते हैं तो हम इसको आराम से खा सकते हैं ठीक है बट और लेकिन इसमें कुछ नॉर्मल साइज़ भी मिलते हैं हमको ठीक है और ये डिपेंड करता है हमारे पास और इसका जो फ्रूट होता है वो थोड़ा सा इरेगुलर होता है ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स आती है ठीक है उसके बाद ट्राई ट्राइप्लॉय में हमारे पास दूसरी एग्जांपल दैट इज द शुगर बीट ठीक है उसको भी हमने वैसे ही बनाया है शुगर बीट में शुगर बीट को हमने कैसे बनाया कि फोर एक्स इंटू टू एक्स किया तो फोर एक्स से हमारे पास टू एक्स मिलेगा एंड वी हैव दिस एक्स सो इट बिकम्स थ्री एक्स तो इसमें क्या है हमारे पास इसका जो शुगर कंटेंट है वो ज़्यादा है तो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन दिस क्रॉप एंड वी हैव यूज दिस दिस ऑटो और वी कैन से ऑटो पॉलिप्लाइट्स ठीक है हाउ दे आर यूज़फुल जापान वगैरह में इसका यूज़ हो रहा है उसके बाद टेट्राप्लॉइड अब टेट्राप्लॉइड वैरायटी जो है मोर सक्सेसफुल दे आर इन द फॉरेज क्रॉप्स फॉरेज क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है ठीक है अब इसमें क्या हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्जाम्पल देनी है किसकी टेट्राप्लॉइड जो रेड क्लोवर है ये राई ग्रास है इसकी हम एग्जाम्पल देंगे और दूसरी जो ये हमारे पास क्लोवर uh, है एक एस एस साइल क्लोवर ठीक है एस साइल क्लोवर इसकी वैरायटी तोरा एंड बरसीम है एक दैट इज़ दी वरायटीज़ पूसा uh, गेट सो दीज आर दी ऑटो टेट्राप्लॉयड क्रॉप दैट इज सक्सेसफुल एंड दे आर दे आर फोरेज क्रॉप्स है ठीक uh, uh, है अब फॉर एक्जाम्पल दिए ये टर्निप है कैबेज भी है यह भी इनका साइज ज्यादा है लेकिन मैंने आपको बताया कि दे आर नॉट सक्सेसफुल वाई दे आर नॉट कमर्शली एक्टिव क्योंकि इसका क्या हो जाता है आप इसको वही मैं इसी एक एग्जाम्पल दे रहा था आपको कि आप इसको खाएंगे तो सही लेकिन इसका टेस्ट नहीं आएगा बिकॉज दी हैव दाटर क्वाटिटी इज़ वेरी हाई ठीक है आपको पानी पानी लगेगा इसमें ऑल राइट right. सो so, अब ऑर्नामेंटल प्लांट जो है ऑट्रोपोली प्लांट क्यों क्योंकि हमको फ्लास से ये लाज ठीक है उनकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा देर तक रहती है सो दे आर मोर दिस हमको ज़्यादा फेवरेबल है ये ठीक है इनका साइज बड़ा होता है वही जो मैंने आपको बताया था ऑल राइट ओके सो दिस इज़ बाकी ये कुछ नहीं वही जो मैंने आपको पहले बताया वही है ये भी एंड सम अदर यूजफुलनेस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट जैसे कि कुछ हमने रिसेंट डेवलपमेंट्स की है थ्रू सेलेक्शन एंड ऑल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कमर्शियल वरायटी हमने निकाली है ठीक है दिस इज टी टी में हमने टी वी नाइन निकाली जो कि एक ट्राइप्लॉयड uh, है अब इसके फीचर्स क्या हैं इसके जो लीव्स हैं वो कर्व लीव्स हैं ठीक है थीके? उसके बाद उसकी यील्ड ज़्यादा है डॉट ड्रॉट टॉलरेंस है ठीक है uh, बरसीम जैसे मैंने आपको बताया पूछा बरसीम ये फोर एक्स है फोर एक्स मतलब टेट्राप्लॉड है इसका जो फर्स्ट टेट्राप्लॉयड थी ऑटो टेट्राप्लॉयड थी और वी कैन से ऑटो ऑटोपोलीप्लॉयड थी इंडिया में ठीक है निगर एच एम टी वन ये भी टाप्लॉयड है और इसका जो बायोमास ज़्यादा होता है इसी तरह ये बाकी वटी वति, वटीवेरिया है ये भी हमारे पास टेट्राप्लॉयड है इसका ऑयल कंटेंट ज़्यादा है ठीक है सारे लिखने की जरूरत नहीं एक दो याद कर लो यू आर डन ऑल राइट और इसके बाद क्या है वी हैव uh, हमने इसका यूज़ किया है सेल्फ़ इनकम्पेटिबिलिटी को ओवरकेम uh, करने के लिए फ़ॉर एग्ज़ाम्पल टबैको में वाइट क्लोवर में हमने इसको यूज़ किया ऑटो पॉलिप्लाइडी को ताकि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हमारे पास उसकी ओवरकेम हो जाए एंड इन सम सर्टन डिस्टेंट क्रॉसेस जहाँ पर डिप्लॉइडी लेवल पर पॉसिबल नहीं होता तो हमने इसको ट्राईप्रोल्टी लेवल पर सक्सेसफुल बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेसिका लेरेसिस एंड ब्रेसिका चिन्हेंस ठीक है तो है तो ये कि इंटरस्पेसिफिक uh, है ठीक है तो हम इसमें फिर लिख सकते हैं इसमें एंड ऑल्सो दिस टेट्राप्लॉयड ऑफ सोलनम स्पीशीज जैसे कि सोलनम ट्यूब्रोसम जिसमें कि डिप्लॉयड जो नहीं बनता है ठीक है डिप्लॉयड में जो हमारे पास नहीं होती पॉसिबल तो हमने क्या किया इसको ट्रिप्लॉयड लेवल पे किया हुआ है ठीक है टेट्राप्लॉयड लेवल पे सॉरी एंड ऑल्सो द ऑटो टेट्राप्लॉयड ऑफ रेड क्लोवर राई ग्रास दे आर मोर विगरेस मोर डाइजेस्टिबल और मोर पैलेटेबल जो इनके लिए क्या बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स या जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए ठीक है उसके बाद दिस आई डोंट नो वट इज दिस ठीक है चलो इसको रिमूव कर दो होस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसमें ठीक है निमेटोड का निमेटोड रेजिस्टेंस ज़्यादा है ओके एंड आफ्टर राइटिंग दीज पॉइंट्स अगर आपसे इसकी अप्लीकेशन और पूछी जाएंगी तो हमने जो मॉर्फोलॉजिकल uh, पॉइंट्स लिखे for example, their is, vigor is more, all, थे फॉर एग्जाम्पल देअर साइज इज विगर इज मोर ये एंड ऑल वो भी आप इसके बाद में लिख सकते हैं फॉर एक्जाम्पल टेन मार्क का क्वेश्चन है या फिफ्टीन मार्क है या ट्वेंटी मार्क का क्वेश्चन है तो अगर टेन मार्क हमको पूरा यही लिखनी है इसकी एप्लीकेशन ऑफ ऑटोपोलीफ्लाइड ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं ये पाँच पॉइंट विद एग्जांपल्स अगर हमको ये है ये हम लिख सकते हैं उसके बाद इन जनरल जो आपको जर्नलाइज पॉइंट याद है फॉर एग्जांपल जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया जेनेटिक इंपैक्ट और वी कैन से दिस मॉर्फोलॉजिकल इंपैक्ट तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं Now there is some limitations. अब देखो वही लिमिटेशन मैंने वहीं से बनाई लिमिटेशन क्या है कि लार्ज साइज है लार्ज साइज तो है बट वाटर कंटेंट इज हाई जिसकी वजह से ड्राई मेटर काम है एज कंपेयर टू डिप्लॉयड ठीक है tetraploid, cabbage, तो अब वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो प्रेफरेबल नहीं होता ठीक है उसके बाद हाई स्टर्लिटी दिखाता है ठीक है पोअर सीट से आते ही नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है हील्ड कम हो जाती है फर्टिलिटी इन ऑटो टेट्राप्लॉय इसको हमने जैसे मान लो हमने टेट्राप्लॉयड में फर्टिलिटी तो इंक्रीज की है हाइब्रडाइजेशन और सिलेक्शन से टेट्राप्लॉयड लेवल पे लेकिन इसका प्रोग्रेस जो है ना मतलब सिलेक्शन को जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है और सेग्रीगेशन मतलब इसमें सेग्रीगेट सेग्रीगेशन कम्प्लेक्स सेग्रीगेशन होती है इसमें तो इसमें इसीलिए इसको बड़े साल लग जाते हैं इसमें फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी पीछे छः साल लगे उसको उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ठीक है सिक्सटी से लेकर सेवेंटी तक एंड द ट्राइपलॉयड कैन नॉट बी मेनटेन एक्सेप्ट कलोन अब हमको पता है कि ट्राइप्लॉड ट्राइप्लॉयड जो होता है इसमें गेमीट्स नहीं बनते क्योंकि ट्राई है ना दिस uh, ऑर्ड है तो ऑर्ड ऑर्ड में अगर गेमीट्स होंगे तो uh, तो वो वायेबल नहीं होते तो इसको सिर्फ हम क्लोनल सेलेक्शन से कर सकते हैं अब हमने रिसेंटली ई ए वाला क्रॉस भी uh, जो किया है उससे भी हमको ट्राइप्लॉयड बनाना पड़ता है ठीक है रेगुलरली हमको करना पड़ता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंटेन नहीं कर पाते इसको हम ठीक है या तो क्लोनल सिलेक्शन से करो या तो आप बार बार इसकी जो क्रॉसिंग कराओ उसके बाद आपको मिलेगा न्यू पॉलीप्लाइड और ऑल्सो कैटेगराइज बाई सर्वल अनडिजायरेबल फीचर फॉर एग्जाम्पल इसमें ना कुछ अनडिजायरेबल फीचर भी आएंगे फॉर एग्जाम्पल द पुअर स्ट्रेंथ इन द स्टेम ऑफ द ग्रेप्स ठीक है बड़े बड़े फ्रूट का साइज बड़ा तो होगा लेकिन स्टेम की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी तो उसकी वजह से जो वो फ्रगैल हो जाएगा हमारी जो प्लांट है वो थोड़ा वीक हो जाएगा के नॉट भी उसका जो इसका इफेक्ट भी हो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ठीक है फॉर एग्जांपल हम बता नहीं सकते कि, कि इसका इफेक्ट क्या आएगा ठीक है अभी हम आगे भी एक एग्जांपल देखेंगे उसमें भी हमारा ज़्यादा क्लियर होगा कि हम पॉलीप्लाइड को बता नहीं सकते कि क्या होगा इसमें ठीक है ऑलरेडी दीज वार दी एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट और वी कैन से दिस एप्लीकेशन ऑफ पॉलीप्लाइड, ऑटो पॉलिप्लॉड इन क्रॉप इम्प्रोड ये मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ाया क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे आ रहे हैं आपको यू यू जस्ट हैव टू पिक एंड चूज फॉर एग्जांपल यू हैव टू पिक दिस टेट्राप्लॉयड ऑटोप्लॉड टेट्राप्लॉयड में एक एग्जांपल वाटर वाटरमेलन की आपको पता है वाटरमेलन टट्राप्लॉयड है किसलिए बनाया है? वो कुछ नहीं छोड़ो उसको ट्राइप्लॉयड सॉरी टेट्राप्लॉड नहीं ट्राइप्लॉड ट्रॉय ट्राइप्लॉयड है तो रेडुमेंट्री सीड्स हैं इसलिए इसलिए हम हमारे पास ही ज़्यादा एफिशेंट है तो क्रॉप इंप्रूवमेंट हो गया ऑल राइट सो दिस इज नाव ओलो पोलिप्लाइड लास्ट वन इज द ओलो पोलीप्लाइट ओलो पोलीप्लाइड मतलब जब हमारे पास क्रोमोजोमल जो सेट होगा ये हमने कहीं और से लाया है ठीक है ओलो पोलिप्लाइड कंटेन टू और मोर डिस्टिंक्ट जिनो डिराइव फ्रॉम डिफरेंट क्रोमोजोम ठीक है दिस इज मतलब हम हाइबर्डाइजेशन से करते हैं या क्रोमोजोमल डब्लिंग कर देते हैं या किसी एफ एन जनरेशन की वी विल गेट ऑटो सॉरी ओलो पोलीप्लाइड फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है मैंने आपको पहले बताया ए ए बी बी सी सी ये एक से आए ये दूसरे से आए तीसरे से आए लेकिन एक ही पोजीशन पे समझ रहे हो दिस इज एट क्रोमोजोम नंबर वन तो क्रोमोजोम नंबर वन पे हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः क्रोमोजोम है सो टू एन राट टू एन इट इज़ इक्वल टू सिक्स एक्स इज इट इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल जो भी होंगे फोर्टी एट होगा या जो भी होगा ऑल डिपेंड्स ऑन विच क्रॉप ना ऑल ऑलमोस्ट ऑल जो नेचुरल ऑलोपोलीप्लाइट्स होते हैं उन उनके पास ना दो कॉपीज़ होती है जिनोम की फॉर एग्जांपल दो कॉपीज नेचुरल जो होते हैं ना नेचुरल उनके पास दो कॉपीज़ होती है दो कॉपीज इन सन जैसे मैंने आपको बताया कि एक जिनोम है ए एक है बी तो ए बी और सी ऐसा नहीं होगा कि ए बी एंड सी एंड सी सी ओके फाइन तो इसमें क्या होगा ए बी बी and सी सी होगा ठीक है तो नेचुरली वी वेन एवर वी फाउंड we found most मोस्ट मतलब almost all हमको किस में मिलती है pairs में मिलती है so these इन pairing को हम क्या बोलते हैं amphiploid अब इन इन पेयरिंग को एम्फीप्लॉयड बोलते हैं तो सो दे बिहेव एट दिक माइटोटिक एम वन मतलब मेटाफेज एम वन पे दे बिहेव एज ए बाइवेंट ठीक है जैसे मान लो एक दो तीन चार पाँच छः छः ठीक है एक पोजीशन पे छः है तो ये बाइवेलेंट की तरह शो करते हैं मतलब दो इकट्ठे हो जाते हैं ये दो इकट्ठे हो जाते हैं और ये दो साथ में हो जाते हैं तो इनको एम बोलते हैं ठीक है सो so, ऑटो जिस ओलो में अगर ये पेयरिंग में होते हैं और मोस्टली पेयरिंग में ही होंगे तो इट इज़ नॉन एज दिस पेयरिंग इज़ नॉन एज एम फीटिप्लॉयड ऑल राइट अब इसका ओरिजिन कैसे होता है फॉर एग्जाम्पल इसका ओरिजिन वही होगा अब सबसे पहले क्या है फर्स्ट इज द इरेगुलर म्यूसिस म्यूसिस में अगर अगरगुल इरेगुलरिटी आएगी फॉर एग्जाम्पल नेचुरली क्या होता है ना हमारे पास नेचुरली जो 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 होते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है फॉर एग्जाम्पल एफ वन जनरेशन की अगर क्रोमोजोमल डबलिंग हो जाएगी तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा वहाँ से हमको जो जिन मतलब या तो उसके जो जिनोम्स होंगे एफ वन जनरेशन के वो तो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू ए ए बी बी अब ये एफ वन है इसका तो एफ वन क्या बनेगा ए और बी ठीक है अब इसकी मान लो क्रोमोजोमल डब्लिंग हो जाएगी क्रोमोजोमल डब्लिंग हो जाएगी तो ये ए ए एंड बी बी बन जाएगा समझ आ रही सो दिस इज हाउ दी मियोसिस में कैसे बन सकता है हमारे पास दिस ऑटो सॉरी दिस ओलो पोलिप्लाइड ऑल राइट नाउ इरेगुलर माइटोसिस अब माइटोसिस जैसे मैंने आपको बताया ना कि सोमेटिक सेल्स में भी हो सकता है कहीं पे तो अब क्रोमोजोमल डब्लिंग हो जाएगी किसी सोमेटिक सेल में माइटोसिस में जैसे मान लो माइटोसिस ये है ए ए ये बी बी है ठीक है या मान लो ये ए बी है अब जैसे मान लो इसमें क्या बनेगा एक ए एक बी बन जाएगा तो अगर इसकी क्रोमोजोमल डब्लिंग हो जाएगी ठीक है हमको पता है इसमें ये दो गेम्स गेमिट्स तो बनते नहीं है ये तो यही बनेगा ए माइटोसिस में तो गमेंट्स बनेंगे नहीं सेम बनेगा ठीक है ना सेम बनेगा तो इसमें भी अगर इसकी क्रोमोजोमल डब्लिंग हो जाएगी सो वी विल गेट ए ए एंड बी बी सो दिस इज माइटोसिस माइटोसिस एंड इट अकर्स इन द सोमेटिक सेल्स ठीक है तो कभी कभी वही अनरिड्यूस से भी हमारे पास मिल जाता है तो सिंगल टिलोफेस में क्रोमोजोमल डब्लिंग हो जाती है या सेग्रीगेशन में फेलियर हो जाता है तो सो विल हमारे पास क्या मिल जाता है दिस ऑलो पोलिप्लाइड ठीक है उसके बाद सिंथेटिकली भी हम बना सकते हैं सिंथेटिकली वही हम क्या कर सकते हैं दिस क्रोमोजोमल डबलिंग करेंगे किसी की ठीक है वही हमने क्या करना है सबसे पहले एफ वन जनरेशन बनाना दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड एफ एन जनरेशन बनाना टू डिस्टिंग का जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए जैसे मान लो ये टेट्राप्लॉयड है बी बी इसको हमने किसी और के साथ करना है सी uh, सी ठीक है तो इसका गेमेंट क्या बनेगा ए एंड बी इसका गेमेंट क्या बनेगा सी तो जब इसका एफ एन बनाओगे ना आप लमेशोरी हेयर एफ एन बनाओगे तो ये बनेगा ए बी सी दिस इज ट्राइप्लॉयड ठीक है तो ट्राइप्लॉयड होगा तो आपको पता है ट्राइप्लॉयड जो होता है दे आर नॉट वायबल स्टराइल होता है फिर इसका हम क्या करेंगे क्रोमोजोमल डब्लिंग क्रोमोजोमल डब्लिंग क्या करेंगे कॉल्चीजिन ट्रीटमेंट दे, दे देंगे इसमें ठीक है कॉल्चीजीन ट्रीटमेंट दे, दे देंगे तो बस ये ए ए बी बी एंड सी सी सो इट विल बिकम वायबल बिकॉज इट इज हेक्ग्जोप्लॉयड एंड इट इज सॉरी दिस इज ए तो एग्जोप्लॉयड है ये कौन सा एग्जाप्लॉयड है इट इज़ ऑलो हैप्लॉयड बिकॉज द क्रोमोजोम सेट्स दे आर कमिंग फ्राम डिफरेंट स्पीश ऑल राइट सो द एग्जाम्पल इसकी देखो ट्राइटिकल जो हमने मेन मेड सीरियल पहला जो हमने बनाया दिस इज द ट्राइटिकल इट इज़ द सिंथेटिकोलिप्लाइड ठीक है कहाँ से बनाया हमने टेट्राप्लॉयड वीट लिया टेट्राप्लॉयड मतलब फोर ए ए बी बी ठीक है इन टू सी सी कर दिया ठीक है या आर आर कर दिया हमने क्योंकि राई है तो राई हमने लिया है इसका ठीक है स्केला सीरील लिया ठीक है ओके okay, सो so, uh, इसमें क्या है ए बी बनेगा और इसमें आर बनेगा तो इसकी जो एफ़ वन जनरेशन होगी ए बी एंड आर बनेंगे सारे उसकी क्रोमोजोम डब्लिंग कर लेंगे ए ए बी बी आर आर सो दिस इज हाउ वी हैव हमने क्या बनाया था ये ट्रैटिकल बनाया था ठीक है तो एफ़ वन जनरेशन में क्या होगा हमारे पास ट्वेंटी वन क्रोमोजोम हो जाएंगे ठीक है क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगे सेवन अगर हो, होते हैं इसमें डिप्लॉयड जो होता है हमारे पास कितना होता है टू फोर्टीन ठीक है तो इसमें भी मान लो डिप्लॉयड क्या होगा फोर्टीन हो जाएगा ठीक है इसमें तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास क्या बनेंगे ए ए इसका गेमिट जो होगा वो सेवन आएगा ठीक है ऑल राइट सो इट विल बिकम ए बी एंड सी ठीक है तो हमारे पास ट्वेंटी वन हो जाएंगे ए बी एंड सी एन एफ वन जनरेशन में टू एन इजिकल टू ट्वेंटी वन ठीक है सो इसकी डबलिंग करेंगे टू एन इज ईक्ल टू टू एक्स इज एकल टू ट्वेंटी वन थे तो टू एन इज ईक्ल टू फोर एक्स इज ईक्ल टू फोर्टी टू हो जाएंगे ठीक है टाटा दिस एक्साप्लॉय में अब इसका कैसे करते हैं वही सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं तो हम इसको कुछ इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे पास पी जी पी ई जी है पॉलीथिलीन ग्लाइकोल ठीक है इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है दिस टेक्निक हैज़ बीन सक्सेसफुल अब ये टेक्निक्स का हम किस किस का यूज कर ए, में हमने किया हुआ निकोटियाना मतलब दैट इज़ दी टबैको में हमने यूज़ किया है तो अब हम ना इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड हाइब्रिड बनाते हैं स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीशीज है से दो अलग अलग मतलब एक जनरा की दो दो स्पीशीज है उनके बीच में हम क्रॉसिंग करेंगे जैसे मान लो निकोटियाना ग्लूका और निकोटियाना लैंग्स डोफी इसके बीच में हमने क्या किया है वो किया मतलब हाइब्रिडाइजेशन की है ठीक है बिटवीन uh, और दूसरी है न, इसकी दो म्यूटेंट लाइने किसकी न्यूकोटियाना टबैकम की इतना ज़्यादा याद नहीं करना आपको बस यू हैव टू पिक वन एग्जांपल एंड यू आर डन ठीक है तो जब इस तरह की हम क्या करते हैं ना इस तरह के टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो उनके बीच में प्लस पॉइंट आ जाए फॉर एग्जाम्पल न्यकोटियाना ग्लूका एंड न्यूकोटियाना लैंग्स डॉफी तो इसके बीच में प्लस है इट शोज दैट दे आर दिस ऑलो टेट्राप्लॉयड ठीक है बट ठीक है देहर फ, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से ठीक है जब हम ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के कौन से पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी में सो वी विल सी दियर तो ये मोस्टली इन स्पीशीज में होते हैं सोलोनेसी एंड क्रोसीफेसी में दिस इज हाउ ये तो मैंने आपको पहले ही बताया फॉर एग्जाम्पल जो ट्राइटिकम टर्जिडियम हमने ले लि, लि, लि लिया था टेटराप्लॉयड वीट टेटराप्लॉयड वीट लिया था ये ए बी बी है इसका क्रोमोजोम ठीक है उसके बाद स्केला सिरेला ठीक है वहाँ पे मैंने एस वो एस हो गया टाइप गलती से तो आप उसको सही कर देंगे वो मैं कर दूंगा सही ठीक है दिस इज उसके बाद क्रोमोजोम इसका ये बनेगा तो ये ए बी एंड आर बनेगा तो आपको पता है ट्रिप्लॉयड है तो इनवायबल होगा ठीक है इसकी क्रोमोजोम डब्लिंग करेंगे कॉलचीज ट्रीटमेंट कर सकते हैं ठीक है तो ये हेक्साप्लॉइड वीड बनेगा हमारे पास ये ऑलो हेक्साप्लॉइड सो तो ये डायरेक्टली नहीं पूछा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल इन केस अस दी प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड तो इस जो लास्ट वाला टॉपिक में पढ़ा है इसमें डेफिनेशन टाइप्स विद एग्जाम्पल्स ठीक है और उसके बाद एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्लांट ब्रीडिंग दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है आगे चलते हैं नाउ द जेनेटिक इफेक्ट अब वही जेनेटिक इफेक्ट इसका भी जैसे ओलो का था वैसे ही ऑटो का था इसमें भी कम्बाइन मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल को हमने कंबाइन करके बताया बट ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम ना प्रिडिक्ट कर पाएँ कि क्या जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोसाइज कम्बिनेशन बता सकें कि क्या आएगा जो ऑप्सप्रिंग है उसका क्या आएगा इन कंपेरिजन टू द पेरेंट ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो हमने जब रेफेनो ब्रेसिका बनाया था कि हम हम कैबेज की रूट्स मतलब हमको जो लीफ है वो कैबेज के आएंगे लेकिन जो रूट्स हैं वो किसके आएंगे रेडिश के तो हमने कैबेज और रेडिश का क्रॉस किया था ताकि हमको रूट्स जो हैं वो कैबेज के इसके मिले रेडिश के और लीव्स कैबेज के मिले लेकिन ये उल्टा हो गया ठीक है तो इसमें क्या हो गया रूट्स कैबेज का आया और जो लीव्स हैं वो रेडिश के आए तो इट बिकेम मतलब वर्थलेस हमारे लिए किसी काम का नहीं था ठीक है थीके? फिर इसको एज अ फोल्डर हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद इन कंट्रास्ट अगर ट्राइटिकल देखें तो इसमें डिज़ायरेबल आया तो इसका मतलब ये है कि हमको प्रडिक्शन ही कर सकते ठीक है तो इसमें ईल्ड जो है लेकिन इसकी भी लो ल्ड है जो इन कंपेरिजन टू ठीक है लो ईल्ड जस्ट अ सेकेंड द ट्राइटिकल हैज़ कम्बिनेशन ऑफ डिज़ायरेबल दैट इज़ द दील्ड एंड क्वालिटी ईल्ड और क्वालिटी हम देखेंगे किसकी वीट की और इसकी हार्डनेस हार्डनेस दैट इज़ द टॉलरेंस टू द स्ट्रेस ये राय का है तो ये हमारे पास सक्सेसफुल हो गया ही। एक ही अभी तक वैसे भी आ, हमारे पास ओलो पोलिप्लाइड है जिसको हम सक्सेसफुली इम्प्रूव कर सकें दैट इज दिस ठीक है ये आगे हम ट्राइटिकल और पढ़ेंगे इसमें और जनरल अगर आप देखें तो ओलो पोलिप्लाइड जो होते हैं मोरविकर्स होते हैं डेप्लॉयड से ठीक है बट दिस इज़ नॉट ट्रू इन ऑल केस वही एक्सेप्शन ऑलो पॉलीप्लाइड्स अपेयर्स टू भी डिफरेंट इन अडेप्टबिलिटी फ्राम द पेरेंट्स अडेप्टबिलिटी में uh, मतलब वो डिफ़र करते हैं बट दे आर ओफन हार्डर क्योंकि हमको पता है हम जिसको बनाते हैं कम्बी कम्बाइन करके तो हार्ड इन हार्डनिंग करेक्टर आ जाता है मतलब दे आर मोर दे एडेप्टल लेकिन ऐसा नहीं होता कि दे आर दे कम्प्लीटली रिप्लेस दिस मतलब पेरेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है मैनी ऑफ द ऑलोपोलाइट्स जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रासेज दे आर एपोमेटिक ठीक है एपोमेटिक होते हैं तो इसमें जो क्या हो जाता है हमारे पास सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं होती विदाउट क्रोमोजोमल डबलिंग ये आगे चलता रहता है ऑल राइट सो तो जहाँ पे स्टराइल होता है वहाँ पे हम इसका विदाउट क्रोमोजोमल डब्लिंग जो है वो प्रोपोगेशन कर सकते हैं ठीक है चीज़? अब साइटोलॉजी वही इसमें वही बात आ गई साइटोलॉजी में कि इसमें मतलब डिफरेंट करता है अलग अलग ठीक है तो उसके बाद ये डिपेंड करता है कि पार्शली होमोलोगस है पार्शली होमोलोगस मतलब जैसे मान लो ए ए बी ई बी बी है अब ये जो है तो एक ही नंबर के क्रोमोजोम लेकिन इसमें थोड़ा पार्शियल होमोलोगस है कम्प्लीटली होमोलोगस नहीं दी ये तो कम्प्लीटली होमोलोकस दीज आर पार्शली होमोलोगस ठीक है उसके बाद इसमें स्टरलिटी फ्यूचर जो होता है वो डिपेंड करता है ठीक है उसके बाद ये क्योंकि हमने देख ले देखा कि इसमें डिपेंड करता है अलग अलग क्या बनेंगे ट्राईविलेंट बनाएंगे मोनोविलेंट बनाएंगे ठीक है तो और इसके बाद नेचुरल पॉलिप्लाइट जो हैं वो रेगुलर जैसे मैंने आपको बताया बाईवलेंट तो ये शो करेंगे ही क्यों शो करेंगे क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं ठीक है ऑल सो इसको डिप्लोडाइजेशन भी बोलते हैं रेगुलर बाईविलेंट फॉर्मेशन को ठीक है तो ये क्या करते हैं ये प्रिवेंट करते हैं ये वैसे भी एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं मल्टीवेल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं इसमें जीन होते हैं ठीक है जैसे कि वीट में जीन होता है जिसको पी एच जीन बोलते हैं दैट इज़ लोकेटेड इन फाइव फार्म ऑफ अ बी क्रोमोजोम ठीक है जैसे कि ए ए बी बी है ना ए बी बी है तो फाइव बी बी का फाइव फार्म मतलब फाइव क्रोमोजोम जो है ना मतलब जैसे मान लो एक ये क्रोमोजोम ये दो ये तीन ये चार इसी तरह फिफ्थ क्रोमोज़ोम का जो बी वाला होगा ना वहाँ पे हमारे पास पी एच जो जीन प्रेजेंट होगा तो वो क्या करता है दैट इज़ डिप्लोडाइजेशन में हेल्प करता है वैसे ये किसी काम नहीं है फिर भी थोड़ा सा याद रख लो हॉल राइट सो इन डेप्थ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इट इज़ डन फॉर वंस एंड ऑल ठीक है खत्म एक ही बारी करना है इसको ऑलरेडी नाउ ओरिजिन ऑफ द वीट सिंस इट इज़ नॉट डायरेक्टली इन द सिलेबस और ये हमारे पास क्या है उसमें काम आएगा ब्रीडिंग में हमें पूछ सकते हैं लेकिन हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो फॉर एग्जाम्पल इन केस दे माइ हमको पूछ पूछ लें कि ओरिजिन कैसे हुआ है वीट का तो हम बता सकते हैं ठीक है तो ओरिजिन में क्या है? हमारे पास हमको पता है कि हेक्जोप्लॉयड वीट का ओरिजिन कैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी हेक्गजाप्लॉयड वीट ठीक है तो इसका कैसे ओरिजिन है हमको पता है ए ए बी बी और डी डी ये कहाँ से आया ठीक है सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइटिकम मोनोकोकम ठीक है तो ये मान लो हमारे पास जो कल्टिवेबल uh, स्पीशीज है पहली ये इस तरह की है ये डिप्लॉयड थी ठीक है टू एन इजिकल टू फोर्टीन था इसमें और ए ए क्रोमोजोम था ठीक है दूसरी है ये अभी अननोन है ऑल दो कि साइंटिस्ट ने कुछ साइंटिस्ट ने बोला था कि एजिलोपस एजिलोपसपिल्ट uh, हो सकती है बट ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है और ये हम इसको ये इसको डिस्कार्ड करते हैं तो ये अननोन मान लो तो जो क्रोमोजोम जो बी बी है ये स्पीशीज अननोन है मान लो देहा ये एक्सटेंड हो गई है ठीक है तो इसलिए ये हमारे पास पता नहीं इसको तब जब हमने इसका एफ जनरेशन किया मतलब हमने कुछ नहीं किया ये नेचुरली ऑटोमेटिकली बनाए तो जब हम जब इसका एफ uh, जनरेशन बना दैट इज द डिप्लॉयड तो वो स्टेयल थी ठीक है जब ये स्टेराइल थी तो इसमें क्या होगा दैट इज टू एन इजकल टू फोर्टीन इसमें भी ठीक है तो टू एन इजकल टू फोर्टीन हुआ फिर इसमें नेचुरल क्रोमोजोमल नेचुरल क्रोमोजोमल डब्लिंग हुई ठीक है नेचुरल क्रोमोजोमल डब्लिंग हुई तो ट्रिप्ल टट्राप्लॉयड त्रिप्ल, बना ठीक है टट्राप्लॉयड मतलब ए ए बी बी बना दैट इज टू एन इजिकल टू फोर एक्स ठीक है इट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी एट ऑल राइट सो दिस इज़ टाइटिकम टर्जीडियम टाइटिकम टर्जीडियम बना उसके बाद इसकी नेचुरल सिलेक्शन हुई उसके बाद हमारे पास टाइटिकम ड्यूरम ये बन गया जो हमारे पास हेग्जाप्लॉडा अभी का जो हैगज्जाप्लॉयड वीट होता है ना वीट होता है एंड दैट इज दिस टाइटिकम ड्यूरम तो टाइटिकम ड्यूरम बन गया उसके बाद इसका टाइटिकम ड्यूरम का हम जो क्रॉस हुआ ऑटोमेटिकली हुआ ठीक है टाइटिकम ड्यूरम का क्रॉस हुआ टाइटिकम टॉस uh, के साथ ये भी डिप्लॉयड थी तो जो कि माना जाता है कि हमारे पास जो डी डी क्रोमोजोम है उसका ये सोर्स है फिर अगेन वी गॉट दिस ट्रिप्लॉयड जो कि स्टराइल होगा फिर इसमें नेचुरल नेचुरल क्रोमोजोमल डबलिंग हुई तो हमारे पास हेक्साप्लॉइड वीड मिल गया ठीक है तो दिस इज़ हाउ यही मैंने लिखा हुआ है इसमें ओके फाइन चलते हैं आगे इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग जो ओरिजिन है इसका भी है फॉर एग्जांपल जो कॉटन का है मैंने बताया कि कॉटन में जो होती है में फिफ्टी टू तो 56 सिक्स स्पीशज होती है मोस्ट ऑफ़ दे देम आर डिप्लॉयड डिप्लॉयड होती है लेकिन कुछ फाइव से सिक्स जो होती है हमारे पास ये होती है टेट्राप्लॉयड ऑलो टेट्राप्लॉयड होती ठीक है जब देखो जैसे मान लो फिर एक एग्जाम्पल uh, है जी अपलैंड कॉटन की इसमें गोसिबियम हर्सिटियम है गोसिबियम हिरसुटियम जो है दैट इज इट हैज़ 26 सिक्स इट हैज़ ट्वेंटी सिक्स क्रोमोजोम ठीक है 26 सिक्स क्रोमोजोम इसके हेप्लॉड कम्प्लीमेंट में है ट्वेंटी मतलब तो 26 का डबल होंगे तो हपलाइड में दैट इज हैप्लॉयड में ट्वेंटी सिक्स क्रोमोजोम है इसमें दैट इज दिस इज ठीक है ऐसे मान लो ट्वेंटी सिक्स अब इसमें भी क्या होता है ना इसमें भी थर्टीन जो स्मॉलर है थर्टीन लार्जर है इसके हेप्लाइड कॉम्प्लीमेंट में और ये टेट्राप्लॉयड है ठीक है टेट्राप्लॉयड मतलब एन इज इकल टू टू एक्स इज इकल टू ठीक है ट्वेंटी सिक्स सो अब इसमें भी एविडेंस मिलता है कि ये जो हमारे पास गौसिबी महर्सित में ये एम फी डिप्लॉयड है एम फी डिप्लॉयड मतलब ए ए बी बी किसके बीच में गोसिबियम हरबेसियम और जिसकी वैरायटी अफ्रीकम है जो कि एक ओल्ड वर्ल्ड डिप्लॉयड कॉटन है ठीक है और दूसरी ये वाली अफ्रीका अमेरिकन डिप्लॉयड ठीक है इसके भी थर्टीन प्रोमोजोम है तो इसके इसका ये क्या बोलते हैं एम्फी फी डिप्लॉयड है इसका मतलब ए ए बी बी एक अमेरिकन होगा एक, एक अफ्रीकन होगा इसमें ठीक है ये टेट्राप्लॉयड है समझ में सो इसी तरह हमने जी ये पहले देख लिया तो इसी तरह ये भी इसका है और ब्रेसिका का है अब ब्रेसिका में भी क्या होता है ना ब्रेसिका में भी हमारे पास जो अलग अलग स्पीशीज़ होती है ठीक है सो so, सारी पॉलीप्लॉड नहीं होती जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ ये हमारे पास डिप्लॉयड है ये भी डिप्लॉयड है ये भी ये भी डिप्लॉयड है ये जो कॉर्नर्स uh, पे ये डिप्लॉयड है और इनका इनकी एम फी डिप्लॉयड कार्नर्स की एम फी डिप्लॉयड जो मिड में मैंने बनाई है दैट इज़ दी दीज आर दट्राप्लॉयड ये टेट्राप्लॉयड है ये भी टेट्राप्लॉयड है ये भी टेट्रा और ये एम फी एम फी डिप्लॉयड भी है एम फी डिप्लॉयड इन सेंस दीज 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 आर द एम फी डिप्लॉय्स ऑफ ये जो कॉर्नर वाले इनके फॉर एग्जाम्पल दिस इज एम्फीडिप्लॉयड ऑफ ब्रेसिकम निगरम एंड ब्रेसिकम ओलेरेसी ठीक है तो ब्रेसिकम कार्नेटा जो है इट इज़ द एम्फी डिप्लॉड ऑफ ब्रेसिकम निगरम एंड ब्रेसिकम ओलेरेसी समझ में आया थोड़ा सा है ये मतलब समझ में आ ही गया होगा एक दो बार और देख लेना इसको लेक्चर्स को यू विल गेट टू नो तो ये जो है दिस इज एम्फी डिप्लॉयड ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस इज एम्फी डिप्लॉयड ऑफ दिस एंड दिस ठीक है तो इसमें पॉलीप्लाइड ऑलो पॉलीप्लाइड बन गया ये ठीक है ऑल राइट right. So, this was all about this, and now we have the last one that is the application, most important one. Uh, हमको पता है कि जो ओलो पॉलीप्लाइड है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा एप्लीकेशन होगी ठीक है अब ओलो हमने क्या देखा था हमने सोचा था कि ओलो पॉलीप्लाइड जो होगी हम इससे अलग अलग स्पीशीज हैं वो हम हाँ, अपनी मर्जी से बना सकते हैं लेकिन इसका ज़्यादा उतना इंपेक्ट नहीं पड़ा अब हाँ, हमारे पास अभी तक इनफैक्ट वी हैव दिस ओनली ट्राइटिकल ट्राइटिकल जो है वो ओनली सिंथेटिक है हमारे पास ठीक है बाकी तो नेचुरली जो है बनती है वो तो बनेगी लेकिन ये सिंथेटिक हमारे पास सिर्फ यही है अब इसमें भी अगर हम देखें तो अलग अलग वैराइटीज़ जो है ट्राइटिकल की जो कमर्शियली अवेलेबल है फॉर एक्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया कैनाडा ये अलग अलग जगह पे इंडिया में अगर हम देखें तो ट्रार्टिकल फोर हंड्रेड नाइन यू इस, इसको हमने रिलीज़ किया ये थोड़ी सी है मतलब इसको हम आ, बार बार इवेलुएट कर रहे हैं अब इसमें क्या इसमें भी पचास साल से ज़्यादा लग गए इसकी इंटेंस रिसर्च बिफोर ये कमर्शियली एक्टिव बनने के लिए ठीक है सो दिस इज हाउ इट इज़ एंड इसमें कुछ और भी है जैसे ट्रार्टिकल वन टू वन ज़ीरो पंजाब में हम यूज़ होते हैं एज ए फोर्डर क्रॉप ठीक है ऑल सो right, so, अब इसमें भी मैंने बताया कि इट इज़ नॉट मतलब एज uh, ईजी ऑल द नेचुरली जो कुछ क्रॉप्स है बनी हैं वो तो पहले से बनी है लेकिन हम जो मैन मेड बना रहे हैं तो दिस इज द ओनली क्रॉप जो सक्सेसफुल uh, है अभी और ये भी इसको भी कमर्शली uh, एक्टिव uh, बनने में टुक मोर देन फिफ्टी ईयर्स ऑफ द रिसर्च इंटेंसिव रिसर्च रिसर्च का एफर्ट लगा इसमें ठीक है ऑल राइट दे और इसमें भी क्या है दे हैव ऑल्सो शोन दिस जेनेटिक एंड साइटोजेनेटिक इनस्टेबिलिटी ठीक है क्योंकि म्योटिक इरेगुलरिटी की वजह से हमने बताया कि म्योटिक इरेगुलरिटी थी तो होती है इसमें साइटोलॉजी जो हमने पढ़ी थी ठीक है अब इसको ना इसको आ, मतलब इसको इफ, इसके इफेक्ट को वो करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस सिलेक्शन मेथड करते हैं ठीक है ऑल राइट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स प्रोमिसिंग ऑलोपोलाइट जो है सक्सेसफुल जैसिजैसिस रेफेनो ब्रेसिका ठीक है इसको हम एज ए फॉर्डर क्रॉप जो हम यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद फेस्टूका लोलियम लो ये भी हाइब्रिड है ये भी आ, हमारे पास क्या है ट्रिप्लॉयड है ए ए सी ठीक है जिसको हमने ब्रेसिकम ये और ब्रेसिकम कम किससे नेपस और ब्रेसिकम कम्पेस्ट कम्पेस्ट्रिस से हमने इसको किया है ऑल राइट सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं नाउ वी हैव दिस एप्लीकेशन हम दे आर फोर प्रिंसिपल मतलब एप्लीकेशन इन अ फोर फोर वेज वी आर यूजिंग दिस अब मैंने इसको थोड़ा डिटेल में भी लिखा है क्यों क्यों क्योंकि मैं अब उनने तो ये अभी क्वेश्चन पूछा है कि एप्लीकेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट और यूजफुलनेस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट में ठीक है बट इन फ्यूचर दे माइट आस्क अस अबाउट दी क्रिएशन ऑफ न्यू वराइटी या बताओ भाई दो पॉइंट ले लेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल द एप्लीकेशन ऑफ ऑल ओ पॉलीप्लाइट एज अज अ ब्रीजिंग स्पीशियस और वी के सी इन क्रिएटिंग न्यू स्पीशियस ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू दीज टू पॉइंट्स तो हम मैंने इसको थोड़ा थोड़ा इसको एलेबरेट कर किया है विद एग्जाम्पल्स ताकि इन केस दे विल आस्क अस फ्यू ऑफ दिम दैम वी विल बी एबल टू रन ऑन राइट द आंसर ठीक है ऐसे तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं ये जो भी इसके पॉइंट्स हैं आपको ये चार पॉइंट पॉइंट लिखने हैं फॉर एग्जाम्पल ऑली पॉलीप्लाइट ऑल राइट दिस इज ऑल्ली पॉली प्लाइट इज यूजफुल इन फोर प्रिंसिपल वे फर्स्ट इज इन ट्रेसिंग द ओरिजन जैसे मैंने आपको बताया अभी तक मैंने हमने एग्जाम्पल देखी कि हम किसी स्पीशियस का ओरिजन कैसे बता सकते हैं ठीक है आप ओरिजिन कैसे बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जो एम फी डिप्लॉयड होता है ना इसमें अगर एम फी डिप्लॉयड जैसे ए ए बी बी अगर ये बी इसके साथ कंपेटिबल है या कोई दूसरी स्पीशीज सी है सी इसके साथ कंपेटेबल है तो इसका मतलब ये इसके ओरिजिन में इसके हेल्प हुई है मतलब ओरिजिन में इसका भी रोल है ठीक है अगर नहीं है तो इसका मतलब नहीं है ठीक है और न्यू वैराइटीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइटिकल हमने देख लिया इंटरस्पेसिफिक जीन ट्रांसफर फॉर एग्जाम्पल हम इंटरस्पेसिफिक जीन ट्रांसफर भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? जैसे मान लो एक स्पीशीज से जीन दूसरे स्पीशीज में डालना तो वी कैन यूज़ दिस दिस ऑलो पॉलीपोलाइट ठीक है तो इसमें क्रोमोजोमल डब्लिंग कर लेते हैं दूसरे में चल जाता है या एलियन सब्सटीट्यूशन लाइन का यूज़ करते हैं या एलियन ए एल आई ई एन एलियन एडिशन का यूज़ कर सकते हैं और इसको हम ऐज़ अ ब्रिज क्रॉप भी यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है ना <coughs> जैसे मान लो हमने एक वराइटी से दूसरे वरायटी में हमने कोई जीन या कोई क्रोमोजोम का सेट डालना है या कुछ तो हम इसको एज अ ब्रिज ले लेते हैं पहले हम वो जी या वो क्रोमोजोम इसमें डाल लेते हैं फिर इससे इसमें डाल लेते हैं ठीक है सो दिस इज़ हाउ इट इज़ यूज अब हम इसकी थोड़ी सी ब्री डिस्क्रिप्शन देखेंगे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ओरिजिन में कैसे यूज़ होता है तो ओरिजिन हम ट्रेस कैसे करते हैं जैसे मान लो स्टडी ऑफ क्रोमजोम की पेयरिंग जब हम स्टडी करते हैं ना ऑलो पॉलीप्लाइड में और किसी डिप्लॉयड स्पीशीज में जो किसी हेल्प हेल्प करती है तो अगर इसकी इफिनिटी हुई द एफिनिटी इन पेयरिंग अगर इसकी अफिनिटी uh, मतलब हुई ना डिप्लॉयड स्पीशीज की तो उसका मतलब क्या होता है कि वो डिप्लॉयड स्पीशीज मतलब उस पॉलीप्लाइड में वो डिप्लॉयड स्पीशीज इन्वॉल्व है ठीक है लैक ऑफ पेयरिंग अगर हुई If there is a lack of pairing between the chromosome of the two species then it it in, in the, it rule out the involvement but it says it is not involved in the uh, this origin of the polyploid okay ऑलरेट दे एंड इट मे बी सिंथिसाइज टू वाइडन द जेनेटिक जेनेटिक बेस अब मान लो जेनेटिक बेस को इंक्रीज करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जिसका जिसका जो डिप्लॉयड होगा उसके जेनेटिक बेस कम होगा अब अगर हम उसी से डिप्लॉयड ले लेंगे या ट्रट्राप्लॉयड ले लेंगे ले 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 ले, तो उसके जेनेटिक बेस ज़्यादा होगा फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक बेस ऑफ नेपस ये तो कम होगा इसको हमने वाइडन कैसे किया है बाई uh, मतलब अपने डिप्लॉयड जो है इसका पेरेंट उससे हम वाइडन कैसे करेंगे ठीक है दिस इज हाउ वी विल डू इट ओके सो ऑलसो इट इज़ यूज इन द मतलब जहाँ पे मतलब हमारे पास इंप्रूवमेंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जैसे जेनेटिक वेरियंस अच्छा है तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे मान लो मान लो ब्रेड जो हमने ब्रेड वीट दैट इज़ दी एग्जाप्लॉयड वीट हमने इसको ड्यूरम और टॉस के साथ जो मैंने आपको अभी पहले बताया उसके साथ हमने इसको क्या किया है क्रॉस किए तो हमने ये रिसिंथिसाइज़ किया इसको ठीक है तो उसमें ये जो है हीट ट्रॉलरेंट और ड्रॉड ट्रॉलरेंट है ऑल राइट सो दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ द न्यू वराइटी जैसे कि ट्राइटिकल मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दी ऑल राइट सो इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर अब जैसे मैंने आपको टबैकम की एग्जाम्पल दी थी या पीछे जिस गोसिबियम जैस दैट इज़ द कॉटन की एग्जाम्पल दी थी तो इट एक्ट्स एज अ लिंकेज फॉर एग्जाम्पल इट एक्ट्स एज अ लिंकेज इन ट्रांसफरिंग द करैक्टर फ्रॉम वन टू अनादर ऑल राइट सो फॉर एग्जाम्पल दिस यू कैन राइट दिस एन एग्जाम्पल इन कॉटन लिंट स्ट्रेंथ जो होती है ना कॉटन की इट कैन इट हैज़ बिन ट्रांसफर कहाँ से ट्रांसफ़र की हमने गोसिबियम थ्रूबेरी से गोसिबियम हर पे हमने ट्रांसफर की ठीक है दिस इज अनदर एग्ज़ाम्पल थी इसमें हमने एलियन सब एडिशन का यूज़ किया ना ब्रिज क्रॉस अब जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिज क्रॉस हम सिंथेटिक ऑल ओपर दैट इज द एम्फी डिप्लॉयस उसको हम एज ए ब्रिज लेते हैं बिटवीन टू डिप्लॉयस ठीक है जो आपस में क्रॉस नहीं कर पाते नॉर्मली ठीक है तो क्योंकि अब उसमें क्या होता है क्रॉस uh, uh, नहीं कर पाते जिनकी एफ वन जनरेशन जो स्टेराइल होती है तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड टोबैको ऑल राइट द एक्म्पल एफ वन जनरेशन ये मैंने आपको पहले भी बता दी इत, uh, दिस निकोटियाना में स्टराइल होता है इसलिए um, लेकिन जो इसका uh, जिस निकोटियाना ड्यूबलेटा जो होता है ये हमको प्रोड्यूस इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाइक्रोमोजोमल डबलिंग ऑल राइट ओके जस्ट सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट दीज नाउ दे आर सम लिमिटेशन अब लिमिटेशन इन जनरल लिखी हुई है मैंने कि लिमिटेशन क्या है इसमें अब लिमिटेशन क्या है सबसे पहले दिस uh, पॉलीप्लाइड की लिमिटेशन क्या है कि हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इसमें यूज तो करते हैं इस, इसमें लेकिन देर आर सम प्रॉब्लम्स फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड यूज हम इसका हर जगह यूज़ नहीं कर सकते द सिंगल स्पीशियस पॉलीप्लाइड दैट इज दटो पॉलीप्लाइड ऑटो पॉलीप्लाइड हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन ये हम इट इज इट इज जनरली यूज इन दोज़ क्रॉप जिसमें क्या है जो दे विच आर प्रोपोगेटेड ए सेक्चुअली फॉर एग्जाम्पल बनाना पोटैटो, दिस आर प्रोपोगेटेड एक्श ए सेक्चुअली सो हम इसमें दिस इज ऑटो सिंगल स्पीशियस पॉलीप्लाइड होता है हमारे पास ऑटो पॉलीप्लाइड, पीओ एल वाई ऑल राइट एंड ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन जैसे द मेंटेनेंस ऑफ मोनोप्लायड्स एंटीप्लॉयड्स इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सेक्चुअली प्रोपोटिंग प्लाट्स दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इन जनरल ऑलरेड नाउ इट इज़ अनडिज़ायरेबल अब क्या होता है ना कि बाई स्पीशीज़ और मल्टी स्पीशीज जो पॉली अपलाइड होती है ना मल्टी स्पीशीज मतलब दो या दो से ज़्यादा तो हमारे पास क्या होता है वी जो पेरेंटल जो लाइन होती है हमको नहीं पता होता है कि वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा ठीक है दो तो उसके बाद जो करैक्टर्स होते हैं दिस समटाइम बिकम अनडिज़ायरेबल जैसे इन केस ऑफ रेफेनो ब्रेकस ब्रेसिका हमारे पास जो चाहिए था हमको लीफ उसके चाहिए थे और रूट्स उसके वो हमको नहीं मिला बट उल्टा ही हो गया तो हमारे पास ये किसी काम का नहीं था उसके बाद सिंस ऑल्सो वी आर यूजिंग इट एज ए फोडर दैट इज डिफरेंट थिंग ओके सम अदर डिफेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल इंड्यूस जो हम इंड्यूस कराते हैं ना तो उसकी वजह से भी क्या सर्वल डिफेक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि मान लो लो फ्रिक्वेंसी आ जाती है जेनेटिकली इंस्टेबिलिटी आ जाती है या लो ग्रोथ आ जाती है म्यूचोरिटी कम हो जाती है तो, तो जब इंडक्शन कराते हैं पॉलीप्लाइडी की उससे अदर इट क्रिएट सम डिफेक्ट्स ऑल्सो ऑल राइट एंड द चानस ऑफ दिस चांस ऑफ डिवेलपिंग न्यू स्पीशीज दैट इज द ऑल्यू पोलिप्लाइड ये बहुत ही कम होते हैं अब जैसे मैंने हमने सिंथेटिकली हमने अभी तक सिर्फ एक बनाया हुआ है ठीक है सो दिस इज दिट दिज आर द लिमिटेशंस ओके ऑल राइट सो दिस इज समरी ये कुछ नहीं है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है दिस इज ऑल अबाउट दैट ऑल राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस